बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की, समस्त सुंदर साथ की प्रणाम। चर्चा प्रारंभ हो चित दे भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारा ए सखी जीवन हमारा श्री महामती कहे ए साथ जी भया चर्चा कबख अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे, प्राणाधार आत्म संबंधी धाम धनी के लाडले एवं प्यारे सुंदर साहब जी, तुम्हारे श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महामती कहे ए साथ जी ए अपनी बुनियाद अब तुम्हें आगे कहो ताको करो याद, ताको करो याद। साल नौ से नब्बे मास नव अक्षरातीत धाम धनी लालदास जी महाराज के धाम दिल में विराजमान होकर ये बीतक का घटनाक्रम वर्णन करा रहे हैं। कल के अंतिम प्रसंग में हमने दो महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को देखा। इसमें एक घटनाक्रम देवचंद्र जी को तीसरा दर्शन, एक चौपाई का अवतरण विक्रम संवत 1678 आसो मास कृष्ण पक्ष रविवार का दिन था। उसके बाद चारों चौपाया उसी के बाद जो उतरी वो दीव बंदर में और अंतिम चौपाई अनूप शेर में पूर्ण हुई। और उसके बाद जो दूसरा घटनाक्रम गांगजी भाई के घर जागनी अभियान की जो नींव रखी गई, वहां चर्चा सत्संग शुरू हो गया। एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, ऐसे एक सुंदर साथ की जमात एकत्रित होने लगी। और गांगजी भाई ने भी सतगुरु धनी श्री देव चंद्र जी के अंदर बैठे हुए युगल स्वरूप धाम धनी को पहचान लिया और अपने घर पधराए और वहां चर्चा सत्संग शुरू किया। उसके बाद जो घटनाक्रम आता है बीतक साहेब का,
वो जो तीन प्रकरण है बीच में, सातवां नंबर का, आठवां नंबर का और नौवें नंबर का, उसमें सातवें नंबर के प्रकरण में संक्षिप्त जीवन बसरी, मलकी और हक्की, ये तीनों स्वरूप का श्री मोहम्मद साहेब, सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी और श्री प्राणनाथ जी। उसके बाद आठवें नंबर के प्रकरण में अंतर ध्यान लीला और बलिदान, मोमिनों की कुर्बानी, और नौवें नंबर के प्रकरण में मोमिनों की कुर्बानी कैसी है, इस प्रेम की राह पर चलकर धनी पर अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, सिर्फ किया कहा नहीं लेकिन करके जो दिखाया मोमिनों ने, जो कदम भर के दिखाया, राज जी ने इस प्रकरणों के माध्यम से बताया कि महामती कहे ये मोमिनों, देखो साथ कदम, इनको देख के जगाओ अपनी आत्म। राज जी अब घड़ी इसी समय हमको भी सब सुंदर साथ को संदेश दे रहे हैं कि सुंदर साथ जी, जो मोमिन आज से 400 साल पूर्व चले, उस सुंदर साथ को देख के वो कैसे अपना शरीर को छोड़ा। आज तो आपको शरीर को तो नहीं छोड़ना है, बस उस प्रेम की राह पर कैसे त्याग पूर्ण जीवन जीना है और कैसे आपको धनी के चरणों में कुर्बान होना है तन मन और धन से, यही मार्ग का अनुसरण करते हुए संक्षिप्त जीवन में श्री बसरी, मलकी और हकी। तो उसमें बसरी स्वरूप जो अरब की धरती पर आज से 1400 साल पहले मोहम्मद साहेब, मोहम्मद तो उसका एक खिताब था, एक शोभा थी, उसका नाम था मुस्तफा बेग, और अरब की धरती पर आए और उसने कुरान के माध्यम से तीस सिपारे में कई परमधाम की साक्षियां, होज को सर तालाब, जमुना जी को जोई करके, पशु पक्षी चय बच्चे, कई बाग बगीचे का वर्णन संकेतों के रूप में लिखा और 63 साल इस संसार में उसकी लीला हुई। उसके बाद अंतर ध्यान हुए मोहम्मद साहिब के, इस संसार से गए हुए के बाद अंतर ध्यान के बाद चौथे दिन में, ये दिन कितने नंबर का था, पहला ब्रज का, दूसरा रास का और तीसरा श्री मोहम्मद साहेब। और कुरान में भी मैंने बताया था कि 7 दिन की साक्षिया लिखी हुई है कि 6 दिन छठा सुंदर साथ का और 7वें दिन में विस्त की लीला क्या होगी, अखंड मुक्ति के स्थानों में जीव की करने के हिसाब के मुजब से किस किस विस्त में क्या किस किस का स्थान होगा, ये सब कुरान में लिखा हुआ है। और इतना ही नहीं, मोहम्मद साहेब ने मूर्ति पूजा और कई कर्मकांड को हटा के, मतलब मूर्ति पूजा को तो हटाया, वैसे तो एक ही कर्मकांड ही रहा, लेकिन सबको एक परम तत्व, एक खुदा ताला, अल्लाह ताला पर अतुट आस्था दिलाई। उसके गए अंतर ध्यान लीला के बाद चौथे दिन में सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी का इस संसार में प्रगटन हुआ। उसी के साथ हम सब ब्रह्मात्माएं आई, किस टाइम, विक्रम संवत 1638 में इस संसार में उसकी 74 साल में 1 महीने कम रहे, तब तक उसकी लीला रही। वो हम आगे सुनेंगे क्या क्या लीला रही आगे के प्रकरणों में। और विक्रम संवत 1712 में उसने भी अंतिम लीला पूर्ण की चौथे दिन की। उसके बाद 5वां दिन शुरू हुआ, 5वें दिन में श्री मिहिराज, मिहिर कहते हैं सूर्य को और हम महराज भी बोलते हैं बोलचाल में, लेकिन महराज अप्रभंश से शब्द का,
क्योंकि मेह मतलब बादल, यह मिहिराज के तन में इंद्रावती की आत्मा आई और अक्षरातीत का जोश के साथ जो आवेश आया, कब ये आगे लीला आएगी लेकिन अब यहाँ मैं बता देती हूँ कि विक्रम संवत 1675 में भादरवा शुद्ध 14 रविवार का दिन सुबह प्रातः 9 बजे और अंतिम लीला विक्रम संवत 1751 आषाढ़ बद चौथ के दिन सुबह 5:15 बजे अपनी अंतिम लीला पूर्ण की और नूरी स्वरूप से गुम्मर जी में विराजमान हो गए। ये तीनों स्वरूप, चौथा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये तीनों स्वरूप का वर्णन संक्षिप्त परिचय दिया। ये हमने सब विस्तार से आगे भी सुना और पीछे भी हमको सुनने के लिए और घटनाक्रमों में आता जाएगा। और 7-8 नंबर के प्रकरण में मोमिनों ने जो श्री जी के अंदर ध्यान लीला के बाद क्या बलिदान किया, कुर्बानी कहते हैं किसको? कुर्बान तो आज संसार में बहुत से लोग हो रहे हैं। आज बॉर्डर पे जो शहीद हो रहे सैनिक लोग, उसने भी एक देश के लिए कुर्बानी तो दी। ऐसे पहले भी कई ऐसे ऐसे गुरुजनों के शिष्य रहे, उसने भी कई, चाहे धर्म के नाम पर हो, चाहे समाज के नाम पे हो, चाहे राष्ट्र के नाम पे हो, कुर्बानी दी। लेकिन ये जो मोमिनों की कुर्बानी है उसके बराबरी, क्योंकि वो लोगों ने चाहे तलवार से युद्ध किया हो, चाहे कोई मशीन या यंत्रों से युद्ध किया हो, आज तो बॉर्डर पे कई टेक्नोलॉजी की सुविधा है तो अलग अलग यंत्रों से आज इस्तेमाल किया जा रहा है। सबकी कुर्बानी अपनी अपनी जगह ठीक है, किसी की कोई कम ज़्यादा नहीं बात नहीं है, क्योंकि सुई का अपनी जगह महत्व है और तलवार का अपनी जगह महत्व है। लेकिन यहाँ राज जी क्या बता रहे हैं कि उसने जो किया ये सिर्फ बस इस संसार तक सीमित रहा, इस राष्ट्र तक सीमित रहा, बहुत बहुत और निराकार या नारायण तक पहुंचे, इससे आगे कोई नहीं पहुंच पाए। इन मोमिनों ने जो प्रेम की राह पर चलकर अपना सब कुछ जो न्योछावर किया धनी की राह में और अपना सब कुछ जो त्याग दिया, यही कुर्बानी की बात राज्यियां बता रहे कि हे सुंदर साथ जी, आप ध्यान से सुनिए, जो ब्रह्मात्मा ने 400 साल पहले कैसा त्याग किया है, घर परिवार संसार के रिश्ते सगे संबंधी को श्री जी कहीं स्थान में, कोई कोई शहर में, कोई ग्राम में, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग देशों में जब जगाने के लिए जाते थे तो रास्ते में कोई जगह, कोई कितने घंटे की चर्चा, कोई दिनों की चर्चा, कोई महीने की चर्चा, कोई साल की चर्चा, ऐसे चलते 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 सुंदर साथ के अंदर जब एक पहचान बनी कि नहीं, यही साक्षात धाम के धनी है, यही हमारे आत्मा के प्रियतम है, हमने पहचान कर ली, तो ये झूठे संसार को कैसे त्याग दिया, या आगे हम रामधनी बताएंगे कि सुंदर साथ जी ऐसे त्याग को देखकर, इन मोमिनों की चर्चा हम कितने सालों से सुनते आ रहे हैं इस परंपरा में, हम अपनी उम्र के हिसाब से हम देख ले कि कितने सालों से हम अभी तक सुनते आ रहे हैं। क्या इन मोमिनों की जो रहनी थी, जो आचरण था, उसी राह पर हम कितना 1%, कितना 2%, कितने हम प्रतिशत चल रहे हैं, मतलब अपने आप प्रसन्न कितना चल रहे हैं, अपने आप खुद अंदर भीतर जाके पूछिए कि इन मोमिनों ने क्या त्यागा है इस संसार में। सही में तो त्याग की परिभाषा ऐसी है कि हमारे अंदर सुंदरसा जी एक दारेषणा, एक वितेषणा, एक लोकेषणा, धन संपत्ति का मोह, सगे संबंधी रिश्ते परिवारों का मोह, जो हमारा मोह ने एक पद प्रतिष्ठा का मोह, ये तीन जो है ये चीज हमारे पूरे जीवन को, हमारे पूरे समय को ऐसे व्यर्थ गवा देती है कि राज्य की हकीकत और मार्फत की जो अवस्था है उसको पा लेने की,
चलो मार्फत की अवस्था तो दूर रही, लेकिन हकीकत की देखो तो हकीकत की अवस्था में परम धाम के 25 पक्षों की जो शोभा। आज सुबह दीदी का कानपुर से फोन था, उस सुनीता भगत जी का, तो वो बोल रही थी कि दीदी बार बार स्वामी जी कहते चितवनी एक, मैंने कल जो प्रसंग में रखा था ना, तो इसने आज सुना होगा, तो आज सुबह को भी फोन आया था, कल भी आया था कि बहुत आनंद आ रहा, एक एक बात समझ में आ रही है। तो उसने ये बोला कि स्वामी जी हर प्रसंग में, हर चौपाई में, हर एक एक वचन में, बस उसका एक ही उद्देश्य है कि बस सब शोभा को एक बार आपने आत्मसात हिसाब के धरातल पर, बुद्धि के धरातल पर ग्रहण कर लिया, बाद में अब हिसाब को एक ही ओर कर दो, बताया ना कि उसकी गठरी को नीचे छोड़ दो, बस उसमें से सिर्फ शोभा और लीला के भाव में डूबिए। तो दीदी मेरे को बोल रही थी कि दीदी बस वही भाव में डूबना है। तो मैंने भी उसको बताया कि हाँ, तो मैं बोला कि भाई जो जो प्रसंग सुनने को आपको मिल रहा है उसमें जो भी लीला हो, उसमें मान लो कि मैंने कोई चौरस हवेली की वर्णन किया, कोई एक बाघ का वर्णन किया, या कोई जमुना जी का, ठीक है मैं यहाँ से थोड़ा हिसाब से बताऊंगी क्योंकि यहाँ से बहुत से लोग सुन रहे हैं, लेकिन आप जब ध्यान में चितवनी में बैठो तब हिसाब बुद्धि में नहीं लाना है। जब तक हमारी बुद्धि चलती रहेगी, जब तक हमारी इंद्रियां चलती रहेगी, मन बुद्धि के चित्त के अंदर विचार उठते रहेंगे, तो सुंदर सा जी हम जीव पे आगे धरातल पर जाना, उससे आगे आत्मा के धरातल पर पहुंचना है, कैसे पहुंच पाएंगे, क्योंकि उसमें तो शरीर को भूलना है, बस में कुछ हुई नहीं, शरीर हिले नहीं डुले नहीं, एकदम स्थिर हो जाए। देखो जब स्थिर होगा तब हम हकीकत की जो शोभा है परम धाम के 25 पक्षों की, मैं बताऊंगी आगे लीला आएगी तब, तो इस शोभा में, बच्चों को बोलो आवाज ना करे, तो इस शोभा में हम तब डूब पाएंगे कि जब हम शरीर और संसार को जब पूर्णतः भूल जाएंगे तब हम इस शोभा में डूब पाएंगे। और मार्फत की अवस्था तो कैसी है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल दू, उदाहरण मान लो मैं घड़ी को देख रही हूँ, ठीक है 4:15 है, अभी मैं दूर से देख रही हूँ तो मेरी नज़र सिर्फ कांटे वो जो घूम रहे हैं उस पर जाएगी, घड़ी पर जाएगी, इतनी सूक्ष्म जो अंक लिखे उस पर नहीं जाएगी, ठीक है। और जब मैं ये हकीकत की लीला में बता रही हूँ, अभी जब उससे आगे हमारी और अवस्था बनेगी तो ये घड़ी के अंदर जो अंक दिख रहे उसमें छोटे छोटे एरे छे, जो मिनटों के सेकंड के सब, तो उसी के अंदर हमारी सूक्ष्म दृष्टि बनेगी, ठीक है। ये सूक्ष्म दृष्टि बनते बनते जब हम मार्फत की अवस्था में पहुंचेंगे तो जिस घड़ी को मैं देख रही थी उसके जो घूम रहे वो कांटे को या जो मिनट सेकंड वाले अंदर के एरे को, वो मैं सब भूल जाऊंगी, बस सिर्फ उसी शोभा में मैं डूब जाऊंगी, मेरा अस्तित्व ही मैं भूल जाऊंगी, सिर्फ मेरे को घड़ी दिखेगी, मेरा अस्तित्व मेरे को मिट जाएगा, मतलब मेरे को मेरा नहीं दिखेगा। उसको कहते मार्फत अवस्था। तो यहां मन के अंदर जो हमारी इच्छाएं है, तृष्णाएं है, वासनाएं और बहुत जन्म के संस्कार के हिसाब से जो अंदर मोह आकर्षण जो आसक्ति बनी हुई है, वही हमारे जो विकार और गुण है, यही तो राज्य के चरणों में जाने के लिए बाधा करते हैं, रोकते हैं। तो सुंदर सा जी उसका पूर्णतया त्याग, उसका पूर्णतया त्याग, उसको कहते हैं क्या, अंदर से हमारे अंदर से वो सब इच्छाएं मर जाए, बस कोई भी इच्छा ना रहे, बस हम खाने के लिए नहीं जी रहे, जीने के लिए थोड़ा कुछ खा रहे हैं, किसी चीज के प्रति हमारा थोड़ा कुछ भी आकर्षण ना रहे। ऐसे मोमिनों ने चल के दिखाया, करके दिखाया कैसा त्याग। तो बलिदान किसको कहते हैं कि अंदर की सब इच्छा ये वासना ये मोह सब समाप्त हो जाए, उसको कहते हैं बलिदान। तो क्या संसार के और लोगों ने, जो मैं बात आधी छोड़ी थी फिर जोड़ रही हूं, क्या ये उसके अंदर थोड़ी छुट्टी,
ठीक है, तलवार से अपने को टुकड़े किए, सब कुछ किए, शहीद हुए, बहुत सी कुर्बानी की, लेकिन ये इच्छा है तो धाम धनी की कृपा से, वाणी के माध्यम से एक प्रेम की राह पर चलकर ही छूटती है। तो ये प्रेम का जो ज्ञान है, ये वाणी है सुंदरसा जी, हमको मिली है। मैंने बोला था ना कि प्रेम न त्रिगुण पास, सुख व्यास के भागवत में प्रेम न त्रिगुण पास, प्रेम बसत ब्रह्म सृष्टि में जो खेलत स्वरूप ब्रज रास। जब तक अंदर प्रेम नहीं आएगा तब तक हमारे अंदर की जो आसक्ति वो नहीं छूटेगी। तो ये मोमिनों की त्यागपूर्ण जीवन को देख के हम हमारे आचरण का थोड़ा समीक्षा करिए, अनुसरण हम कैसे कर रहे हैं उसकी बराबरी करिए हम, और उसके बाद सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी के अंदर धाम धनी बैठ के जो साक्षात दीदार दिया, और हमें अभी आगे ही पूर्व प्रसंगों में सुना, और कैसे उसने हमारी मोमिनों की रहनी बताई, सुंदरसा जी वो प्रसंग को भी आप याद कीजिए। और इतना नहीं, इस प्रसंग में और मोमिनों की कुर्बानी में बताया कि श्री बाई जी, कौन, श्री बाईजू राज तेज कुरी जी, विक्रम सन 1750 में श्री जी की अंतर ध्यान लीला पूर्व, वो 51 में अंतर ध्यान लीला हुई श्री जी की, वो 1750 में बाजूराज जी तेजपुरी जी की अंतर ध्यान लीला, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति के गौरव के हिसाब से पत्नी अपनी उपस्थिति में पति को जाते हुए देख नहीं सकती, तो उसने क्या किया, श्री जी से पहले वैशाख शुद्ध अष्टमी के दिन और बुधवार का दिन था, अपना ये नश्वर शरीर को छोड़ दिया। और हम सबको पता है कि उसकी जो अग्नि संस्कार हुई थी, बाजूराज मंदिर जो हमारा है अमराई घाट किलकिला नदी के तट पे, वहां पीछे हम जब जाते हैं जहां सबकी अस्थि पधराते, वहां बाजूराज जी का जो यहाँ जो अग्नि संस्कार किया था, वहां एक छोटी सी देहुरी भी बनी है। तभी उसी टाइम बहुत से सुंदर साथ ने उसी के अंदर अपने को झोंक दिया था, उसके बाद अग्नि संस्कार की ये परंपरा बंद कर दी। उसके बाद जो मोमिन इस राह पर चले और कैसे कैसे श्री प्रियतम का अंतर ध्यान की बात सुन के तत्काल इसी क्षण तन छोड़ दिए, तो उसमें लालदास जी कहते हैं कि बहुत से सुंदर साथ बंगला जी दरबार में बैठे थे, जैसे श्री जी की अंतर ध्यान लीला हो रही है, जैसे गहन समाधि में डूब रहे, उसी क्षण एक साहित कि भी देर नहीं की, बस अपना शरीर वहां ही छोड़ दिया। इतना ही नहीं, एक श्वास भी आगे नहीं लिया, इसी क्षण तन छोड़ दिया। ऐसे भी सुंदर साथ इसमें शामिल है, उसको ये हमारे लिए प्रेरणा के एक स्तोत्र है, प्रेरणा एक शिक्षापन के रूप में है। लालदास जी कहते कि लालदास जी क्या कहते कि हे धामधनी, तुमने मेरे को ऐसा क्यों हुक्म नहीं किया कि मैं भी ये सुंदर साथ सब तन छोड़ रहे थे और मेरे को ऐसी सोवा सेवा सौंप दी कि मैं ही खड़ा रहा इस संसार में सबकी सेवा करने के लिए, सबको पानी पिला रहा था और पानी पिलाने की सेवा दे दी कि सबको संभालो, सबको खड़ा करो, तुमको मेरे साथ चलना नहीं है, राज के पीछे चलना। तो राज जी ने लालदास जी को खड़ा किया, और हम बोलते ने हम तो हाथ हुकम के, हक के हाथ हुकम, इत हमारा पिया जी क्या चले, जो जानो त्यो करो खसम। तो हम तो हक के हमारा ऊपर जो है, पर लेकिन राज जी ने एक आगे और भी बोला कि हुकम के सिर पर दोष न दोष दे बैठ न सके मोमिन। हम कई बार बोलचाल की भाषा में भी चलते फिरते बोल देते ना कि हम पूछते कि अभी तक में क्यों नहीं आते हो चार दिन से, तो कोई सुंदर साथ बोलते कि भाई क्या करे, राज जी का हुक्म नहीं था, कैसे बोलेंगे ना।
राज जी का हुक्म दीदी नहीं था तो आज 8-9 दिन से अभी तक चल रही है, हम नहीं आ पाए, ऐसे बोलेंगे तो ये तो हमारे पर हो गया है ना। यहाँ बताया कि हुक्म के सिर पर दोष दे बैठ न सके मोमिन। और मान लो कोई मायावी सांसारिक कोई फंक्शन है कार्यक्रम, महाराज जी के हुक्म पर जाते हैं क्या हम? किसी के घर पे शादी हो, कोई बर्थडे हो, कोई मैरिज एनिवर्सरी का प्रोग्राम हो या कुछ भी प्रोग्राम हो, तो क्या सुबह को कोई आमंत्रित करने के लिए आए और कल निकलना है तो राज्य के मंदिर के सामने बैठ के उसका हुक्म मांगेंगे क्या? किसी को पूछ के भी ना, तभी तो शायद राज्य को प्रणाम भी नहीं करेंगे जल्द में कि चलो आज तो सेवा भी नहीं करनी है, चलते चलते राज्य की थोड़ी कुछ ध्यान चित्तौनी रास्ते में चलते चलते कर लेंगे, तो तभी तो शायद राज्य की सेवा भी भूल जाएंगे, वाणी का पठन भी भूल जाएंगे, तो तभी हुक्म की कोई जरूरत पड़ती नहीं है। और यहाँ क्या बताया, हुक्म का मतलब हमारा चलना फिरना खाना जो भी हो सब अभी हम कर रहे हैं ना। सुंदर साथ जी बताया कि जो परातम में जो बात उठ रही है, सुनिए आप ध्यान से हुक्म की क्या परिभाषा है इस चौपाई में, कि जो परातम में दिल में परातम के दिल में जो बात उठ रही है, तो परातम तन कहाँ बैठा है हमारा? ध्यान से मूल मिलावे में, मूल मिलावे में किसकी नजर के सामने बैठा है? राज्य के नजरों के सामने 12,000 हम ब्रह्मात्माओं के तन बैठे हैं ना, तो हमारी नजर राज्य की नजर से मिली हुई है, तो राज्य के दिल में, तो राज्य के दिल रूपी पर्दे से, ठीक है, राज्य के दिल में जो बात उठ रही है, इसलिए तो बताया कि जो वहां राज्य जैसा हुक्म करते परातम के दिल में आता है, और परातम के दिल में जो उठती है बात वही आत्म हित करत, परातम में जो बात उठ रही है वही यहाँ जो बात उठावे मन से पहुंचे सबे वतन। और यहाँ से आप जो बात उठा रहे हो ना शायद यहाँ बैठे बैठे ये भी वतन में पहुंच जाती है, इसलिए तो रूहल्ला पर गुना लगा, बताया ना कि रूहल्ला पर गुना लगा। तो यहाँ से हम चाहे जितनी भी चोरी छुपी से कुछ भी कर लो, लेकिन राज्य तो सब कुछ जानते हैं, चाहे कहीं भी बंद कमरे में कर लो तो राज्य बस उससे डरिए। सबसे नास्तिक कौन है? जो राज्य से नहीं डरता है। सबसे आस्तिक कौन है? जो पल पल ऐसा माने कि बस मेरे साथ पल पल राज्य है, हर पल भले मैं कहीं भी हूं, चाहे कहीं भी जगह विचरण करती हूं, लेकिन पल पल मेरे साथ धनी है, वही आस्तिक है, उसकी राज्य पर श्रद्धा निष्ठा है। तो यहां हुक्म की बात चल रही है। हुक्म किसको कहते हैं? कि भाई हमारी सब इच्छा राज्य पर निर्भर हो, राज्य जैसे ही चाहे वैसा हमारा कार्य पूरा दिन का होना चाहिए। हम तो क्या करते हैं, हमारी इच्छा जब पूर्ण नहीं होती तो हम दोष किसके ऊपर दे दें? सिर ले काम करे माया का, ध्यान से चौपाई सुनिए, सिर ले काम करे माया का, निसक पछाड़े आप अंग, भजन न देवे दोष देवे साईं को, तो कैसे हुए साधु संग? पूरा दिन किसकी गठरी हम उठा के फिरते हैं? माया की, ठीक है, बता नहीं कि सिर ले काम करे माया का और निसक पछाड़े आप अंग, मतलब पूरा पूरा दिन ये संसार के पीछे हम शरीर खत्म कर देते हैं, और भजन न देवे करे और दोष देवे साईं को। पूरा भजन मतलब ताली के नाच कूद नहीं, मतलब अंदर से कोई अंदर चिंतन नहीं है, स्वाध्याय नहीं है, पठन नहीं है, मनन नहीं है, और राज्य को दोष देते हैं। यहाँ हुक्म की बात मतलब राज्य मैं तो तुम्हारी कियल, ध्यान से मैं तो तुम्हारी कियल मतलब सब कुछ आप कर रहे हो, मेरा कुछ यहाँ बस नहीं चल रहा है, बस सब कुछ आप पर मेरा निर्भर है। आप जानो तो, बोलिए आपको आता है, जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर, या पाक करो हादी पना, या माहे बैठाओ तकशीर। बोलते तो रोज लेकिन एक काम पूर्ण नहीं हुआ, दोष किसको दे दिया? राजी रखे तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन थोड़ा भी दिल दलगीर हुआ तो सीधे दोष किसको दे दिया? राज्य को, ठीक है। तो यहाँ हुक्म की बात है, किसकी?
नहीं, सब कुछ बस राज जी पर। सुंदर सा जी, एक एक बात को समझिए, बस अपने जीवन को बदलने की कोशिश कीजिए। सच में ये समय जो हमारे लिए उपस्थित हुआ है ना, ये बार बार आने वाला जीवन में नहीं है। चाहे आप कितना भी चाह लो, आपके नसीब नियत में नहीं होगा तो आप दोबारा नहीं सुन पाओगे। ऐसा नहीं मैंने कोई और सुंदर साथ हो गए चर्चा करने वाले, तो हमारे पास समय नहीं होगा। जो समय मिला है उसको सुवर्ण गोल्डन समय मान लो। बस हमारी गिनती के साथ श्वास बंधी हुई है, पता नहीं कब क्या हो, शरीर साथ ना दे, पता नहीं क्या समय साथ ना दे। राज जी, हम शुभकामनाएं करें कि कुछ भी ना, स्वास्थ्य निरोगी रहे, लेकिन पता नहीं ने, हमने थोड़ा भविष्य जान लिया है। तो यहां लालदास जी ने क्या बोला कि धनी, मेरे को आपने हुक्म तले रखा, मैं ही संसार में रहा, मैं एक एक पल आपका सानिध्य नहीं छोड़ा था, और आज मैं आपसे अलग हो गया, आप तो मेरे बीच में से चले गए, मैं आपके बिना कैसे ही संसार में रह पाऊंगा, ये जुदागी की जो विरह की ये दिन कैसे मैं बिताऊंगा। क्या हमारे अंदर ये 400 साल से धनी अलग है, सूक्ष्म स्वरूप से तो आत्मा के धाम दिल में बैठे, लेकिन कभी भी इस जुदागी का एहसास क्या महसूस हुआ? इससे अच्छा तो रास में था, जैसी बांसुरी बांस की बजी ना, छोड़ के भागी थी, संसार की ओर नहीं देखा था। आज तो पता नहीं निकलते निकलते भी परिवार को कितना सौंप के आते, फिर यही लेके यहाँ आते, फिर यहाँ टेंशन, फिर यहाँ से घर पे चले जाते हैं, क्या हाल कर दिया। मोमिन किसको कहते हैं, क्या हाल बना दिया हमारा हमने। 24 घंटे खाते पीते क्या होना चाहिए हमारे दिल में। लालदास जी यहाँ हुक्म की जो बात कर रहे हैं, वो राज्य के हुक्म से उसने तन नहीं छोड़ा। छत्रसाल जी हो, केशवदास जी हो, जो जो सुंदर सात को सिर पर एक जो जागनी का उत्तरदायित्व सौंपना था, जागनी का जो कार्य सौंपना था, इसलिए उसने ये तन नहीं छोड़ा। और आगे जो सुंदर साथ ने तन छोड़ा उसका मैं नाम बोलती हूँ, ये सुनने से भी यहाँ आसबाई के अंदर जो महामती पांच शक्ति विराजमान होकर अपने शब्दों में कह रहे हैं कि सुंदर सा जी, जो श्री जी के अंदर ध्यान के साथ एक क्षण में तन छोड़े, उसमें शंकर हजूरी, लाल मन, नारायण दास, धनजी भाई, जसिया भाई पांच, और जो सुंदर साथ गोदावरी बेन, किशनी भाई, राम भाई, रतन भाई, अम्बो भाई, ऐसे बहुत सुंदर साथ ने तन छोड़ दिए। और धनी के चरणों में, धनी के चरणों में सब समर्पित कर दिए। तो ऐसे सुंदर साथ को याद करते ही हमारे हृदय के अंदर पवित्रता बन जाती है। इन मोमिनों को याद करके कि हमारे हृदय में हमें एक भाव, एक पराकाष्ठा पर पहुंचता है, क्योंकि हम भी उसी राह पर चलने का प्रयास करें, इस मार्ग का हम अनुसरण करें। और अंतिम जो तीसरा प्रकरण है, मोमिनों की कुर्बानी, उस प्रकरण में भी कई मोमिनों का जो संबंध राज्य के साथ जोड़ तो लिया, ये प्राणा जी के स्वरूप में, महामती के धाम दिल में जो स्वरूप लीला कर रहा है, उसकी पहचान तो कर ली। तो कई सुंदर साथ ऐसे रहे कि चर्चा भी सुनते थे लेकिन परमधाम का अंकुर नहीं था। कहने के तो सुंदर साथ थे, राजी ने बताया ना कि जिन शुद्ध सेवा की नहीं, ना कछु समझे बात, तो काहे को गिनावे आप साथ में, ना शुद्ध सुपन साखियात। उसमें भी बताया कि तार तम सब समझ ही, धाम सैया हम बहन, तीन को भी विरोध छुटियो नहीं, वो भी लगे दुख देना। वैसे सुंदर साध भी थे कि जिसने तारतम की चौपाइयों भी समझ ली थी, ज्ञान को भी आत्मसात कर लिया था, लेकिन आपस का जो झगड़ा था, विवाद था, वो नहीं छूट रहा था। तभी भी श्री जी को कोई कम परेशानियां सहन करनी नहीं है, बहुत की है कठिनाइयां सहन। देखो जिस तन में अक्षरातीत लीला कर रहे हैं, कहाँ कहाँ, मान लो यहाँ से दीव से निकले हैं,
किस किस जगह किस कई कई स्थानों में जाएंगे और वहाँ कहीं रोटी के टुकड़े मांगने पड़ेंगे, कहीं पहाड़ों में शीत वर्षा धूप में चलने गए, किसके लिए? हमारे लिए। तो यहाँ इस प्रसंग में बताया कि जो सुंदर साथ ऐसे भी थे, रोज बस झगड़ा करते रहते थे, फिर सबकी सबका समाधान रात को घनश्याम भाई के घर, वहाँ जब पावड़े बिछाते बिछाते श्री जी को ले जाते थे, चाहे गोदावरी बहन हो, कृष्णी बाई हो, सबकी बारी थी अलग अलग, तो वहाँ जाके सबके झगड़े सुलटाते थे। ऐसे भी सुंदर साथ रहे। हम अपने को पूछ ले कि सुंदर साथ जी, हम भी इतने सालों से इस राह पर चल रहे हैं, क्या हमारे अंदर तो ऐसे विचार नहीं है न? तो हम भी उसी सुंदर साथ की तरह राज्य के चरणों में पहुँच पाएंगे? नहीं, नहीं पहुंच पाएंगे। धनी को भी नहीं छोड़ा है दुख देने में। तो राजी ने बोला कि जो दुख, ध्यान से सुनिए, जो दुख मेरी सयन को, तो सुख कैसा मोहे? हम तुम एक वतन के अपनी रूह नहीं दोए। हम मानते ना कि हम तो सुंदर साथ को दुख दिया, राजी को थोड़ी दिया है। राजी ने बोला कि सुंदर साथ का दुख मेरा दुख है, जो दुख मेरी सहन को, तो सुख कैसा मोहे? बोला ने, मेरी ब्रह्मात्मा, मेरी अर्धांगिनी आत्मा सुंदर साथ जो इस संसार में दुखी है, तो मैं कैसे परम धाम में सुख चैन से रह सकूं? तो सुंदर साथ जी आपस में, सुंदर साथ के आपस का जो झगड़ा के विरोध, वो भी मिटा दो, बस प्रेम कर लो। कितने दिन के लिए हम आए हैं, ये प्रेम यहाँ करना है, परमधाम में नहीं। परमधाम में तो डूब जाएंगे, कौन किसको पहचानेंगे कि तू इस तन में, नश्वर संसार में तूने यही तन धारण किया था। देख, मैं तेरे साथ झगड़ा करती रही, मैं प्रेम नहीं कर पाई, क्या वहां जाके राजी ये मौका देंगे, ये अवसर देंगे क्या परमधाम में? राजी और मैं बोलू तो तू मुझे जगाओ, जे जगाना तू बोले तो मैं जगाऊंगी, ये कॉल भी यहाँ तो पूरा करना है, क्या वहां जाके हम राज्य को बोलेंगे कि राज्य परमधाम में से 500 बीघा जमीन निकाल के इधर की ओर कर दीजिए, वहां एक जागरी प्रचार का केंद्र खोलू और सबको का वहां चर्चा सुनानी है? कैसे रहना है यहाँ? ये मोमिनों की कुर्बानी कितनी, मैं लू तो 2 घंटे तक ये खत्म नहीं होगा। तो दुख मेरी सयन को सुख कैसा मोहे? तो सुंदर साथ भी आपस में बस प्रेम भरा व्यवहार करे, बस मेरे सुंदर साथ दुखी है तो मैं कैसे सुख चैन से रहूं? पहले वो सुखी रहे, पहले वो शांति से रहे, तो मेरे को सुख है, ऐसा विचार करें हम सब सुंदर साथ। और जो गरीब सुंदर साथ है, उधर की ओर हम देखे, सबके साथ ऐसा व्यवहार करे कि परम धाम की जो रहनी है हमारी, जिन दिन रहो साथ में तुम हो ही रही हो रेणु समान, इत जागे का फल यही है तुम चेत लीजो चतुर सुजान। जो साथ में विरोध करत है, ध्यान से सुनो जो चौपाई में बता रही हूं, जो साथ में विरोध करत है, मोही को होते जो दुख। राजी क्या बोल रहे हैं? जो साथ आपस में विरोध करेंगे ना, एक सुंदर साथ दूसरे सुंदर साथ के प्रति, तो मेरे को दुख होगा, और जो साथ आपस में प्रेम करेंगे तो मोही को सुख, अंतवाही को, जो विरोध करेंगे अंतवाही को दुख ही दुख है उसको, बस उसको पश्चाताप की अग्नि में जलना पड़ेगा। बस प्रेम कर लो सबके प्रति, और जिन दिन रहो साथ में तुम हो ही रहे और रेणु समान, बस धूली बन जाओ सबकी। कितने दिन रहना है संसार में? देखो, खजूर या कोकोनट नारियरी का या जो ताड़ के वृक्ष होते हैं, वो बहुत बड़े ऊंचे होते हैं, लेकिन छाया किसी को नहीं दे पाते। जितना मकर रहेंगे ना, तो हमारे अंदर विनम्रता, शालीनता, नम्रता या प्रेम आएगा ही नहीं। एक छोटा सा पेड़ हो, जब फल लगे वो झुक जाता है। देखो, सबको छाया, फल सब कुछ देता है, बस हमारे अंदर फल लग जाए। जिन दिन वो साथ में तुम हो ही रहे हो रेणु समान, बस हम मिट्टी है इस संसार में। राज जी, आपके सिवा किस कोई अस्तित्व है ही नहीं।
और आगे बताया, ये तो जागे को फल है। ये हमने भ्रम पाल रखा है कि मैं जग गया, इतने टाइम से हमने तारतम ले लिया है। कोई ने किसी ने सरकारश्री के टाइम, कोई किसी किसी ने मुझे स्वामी जी के समय में, तो हमने भ्रम पाल रखा है। कैसे, मैं कोई खंडनी के वचन नहीं कह रही हूँ सुंदर साथ जी, जो हमारे अंदर बहुत से अभी संशय भरे पड़े हैं। हमने मान लिया है ना कि हम जागृत हो गए। जागना किसको कहते हैं? जो जिस नेत्रों से मैं ये शरीर के पंच महाभूत के जो पुतले को देख रही हूं ने, जब मैं आत्म चक्षुओं से जब युगल स्वरूप को मूल मिला में बैठे हुए उस शोभा और श्रृंगार को अंदर की आंखों से जब देखूं, तब कह जाते हैं कि मैं जागी। इसलिए तो श्रृंगार के चौथे नंबर के प्रकरण की पहली चौपाई में बताया, क्या बताया, अंतर आखा तब खुले जो देखे हो नजर, ऐसा आवत दिल हुक्मे जो इसके आत्म खड़ी होए, ये हक सूरत दिल में चुभे तब रूह जागी देखो सोए। क्या बताया, ऐसा आवत दिल हुक्मे, ये भी राज्य डालने वाले हमारे दिल में जो प्रेरणा करने वाले, ध्यान में बैठने की, वाणी पठन की, सुंदर साथ के साथ रहने की, ये भी राज्य। हम हमारा प्राउड लेते ना गर्व, नहीं आज मैं उसी के घर पे चला गया, मैंने वहां ध्यान चर्चा सुना दी, वाणी की चर्चा सुना दी, नहीं हमने नहीं सुनाई। ऐसा आवत दिल हुक्मे, ये राज्य हुक्म करते हैं तब यहां तक हम पहुंचे। आप पंडाल में बैठे हो ने, ये आप अपने आप खुद नहीं आ पाए हो, आपको राज्य ने यहां भेजा है। क्योंकि राज्य वाणी में बताएंगे, चर्चा में सोए आवत है जाके धनिय पकड़े हाथ, बोलते हैं ना, चर्चा में सोए आवत है जाके धनिये पकड़े हाथ। चर्चा में तो वो सुंदर साथ आ सकता है जिसका हाथ धनी ने पकड़ा है। हम नहीं आए, हमारी क्या ताकत, हमारा क्या बल, राज्य ने आदेश किए। देखो ना, कोई आगे आए कोई पीछे आए, ये भी राज्य की प्रेरणा से है। क्यों 3 बजे यहां नहीं बैठ गए? छे हमारे दर्द अंदर दर्द। मेरी बात समझ में आ रही है सुंदर साथ को? सब राज्य की प्रेरणा से ही हो रहा है। ऐसा आवत दिल हुक्मे जो इसके आत्म, जब ये इतना करने के बाद भी हमारे अंदर इश्क नहीं आएगा, ये इश्क भी राज्य अंदर, बोलते हैं ना हम कि ये इश्क जब आया तब खुल जाए अंतर पट। हाँ, दुख से बिरहा उपजसी, बिरह से प्रेम इश्क, इश्क प्रेम जब आया तब नहचे मिले हक। दुख से बिरहा उपजसी, बिरह से प्रेम इश्क, जब हमारे अंदर धनी के मिलने का बिरह जगेगा मछली की तरह। उसके बाद क्या बोला, दुख से बिरहा उपज, बिरह से प्रेम इश्क, प्रेम कहो या इश्क कहो, हिंदी संस्कृत और फारसी का शब्द है ये इश्क भी। उसके बाद आएगा, उसके बाद क्या बोला, ऐसा आवत दिल हुक्मे इसके आत्म खड़ी होए, हक सूरत दिल में चुभे। उसके बाद हमारे अंदर युगल स्वरूप का जो स्वरूप है मूल मिलावे का, ये अंदर चुभेगा, घाव बनेगा। मतलब कोई चीज चुभ जाती ने, ये हम बहुत सालों तक नहीं भूल पाते। किसी ने हमको कटु वचन बोल दिया, कोई गाली दे दी, क्या हम जीवन भर भूलते हैं? और राज्य के वचन कितनी देर याद रहते हैं? यहां सुने हुए राज्य के वचन कितनी देर याद रहते हैं? यही तो हमारी कमी है। और किसी की दी वही जो ऐसी कोई कटु वचन, ये तो बहुत साल तक हम भूल, जब तक वापस नहीं लौटाते, ये नहीं करना है ना। यहां धाम धनी ने क्या बताया कि सुंदर साथ जी तुम्हारे अंदर इश्क आएगा तब रूह जागी देखो सोए। और ये स्वरूप जब आएगा ने, तो उसकी निशानी, उसकी पहचान यही है कि वो ब्रह्मात्मा सीधी नीचे बस झुक जाएगी, एक धूल की तरह बन जाएगी। और आगे मोमिनों की जो कुर्बानी हमने देखी, वो जो अंतिम 9वें नंबर के प्रकरण में बताया कि हमारा नाता श्री राज जी के साथ
मूल संबंध, हमारी निस्बत, देख तू निस्बत अपनी, मेरी रूह तू आंखा खोल। तो हमारा संबंध किसके साथ है सुंदर साजी बच्चों? राज्य के साथ। यहां बताया कि यह नाता हमारा संबंध की हमने पहचान भी कर ली थी वहां, और उसके बाद फिर क्या हुआ? तो बोले कि धनी, ये नाते को हमने पूर्ण तरह निभाया ही नहीं। देखो, जब आपकी अंतर ध्यान की लीला का समय आया, उस वीरा में हमने तन भी नहीं छोड़ा। तो कई सुंदर साथ ऐसे थे कि बहुत टाइम से तारतम ले लिया था, चर्चा भी सुनते थे, चर्चा की अर्चा भी सुनते थे, लेकिन जब ये समय आया तो परीक्षा में फेल हो गए। जैसे एक बच्चे स्टार्टिंग में एडमिशन लेते स्कूल में, ठीक है, फिर 10 स्टैंडर्ड तक एक शिक्षा लेते हैं, कोई 12th, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी। बाद में जब एक साल के बाद जब एग्जाम आती है, तो एक साल पढ़ा हुआ कितने घंटे की एग्जाम रहती है? 3 घंटे की, ठीक है, 2 या 3 घंटे की रहती है। 3 घंटे में पूरा एक साल का जो आपने आत्मसात किया है ना, वही उसमें शामिल हो जाता है, पता लग जाता है कितना आत्मसात किया है। तो जो मोमिनों ने वहां 11 साल तक तो श्री जी के साथ रहे, वो कौन थे? हम तो थे भैया, और कोई थोड़ी थे ये। तभी हम पहचान नहीं कर पाए ने, तभी तो आज यहां बैठे हैं पंडाल में। तभी हम थे, परिवार रिश्ते में फिर फंस गए थे वहां। तो यहां बताया कि हमारा क्या नाता रहा। तो धनी हमारी पहचान किया, इतना तो संसार के एक जीव भी नहीं करते। जीव माया के ऐसी करे, ध्यान से सुनिए चौपाई, जीव माया के ऐसी करे, कईयों देखे दृष्ट, वो भी उन पर यो करे, तो हम तो है ब्रह्म सृष्ट। देखो माया के जीव। एक युगल पक्षी लव बर्ड्स आते, जब आकाश में भ्रमण करते, उसको पता, एक में दो में से युगल में से एक पक्षी जब मर जाता नीचे गिरकर, ठीक है, कहीं फड़फड़ करते नीचे गिर के मर जाता, तो उस दूसरे पक्षी को जब पता लगता कि मेरा युगल मेरे बीच में नहीं रहा, तो क्या करेंगे? वो अपने आप खुद नीचे गिरकर अपना तन छोड़ देगा। तो देखो जीव माया के ऐसे करे। एक यहां के संसार के एक पक्षी और कईयों देखे दृष्ट, वैसे तो लैलू मजना मजनू, हीर रांझा, सोहिनी महिवाल, ससुई पुनु, देखो सबके प्रेम देखो कैसे। उसने बोला कि भाई एक ही ओर, किधर की ओर मेरे पुनु गए, किधर की ओर मेरे मजनू गए, उसकी कोई बधाई दे दे ना इस संसार में, तो मेरे तन को मैं करोड़ों बार कुर्बान कर दूं। अमराज जी पर एक बार भी कुर्बान नहीं कर पाए। कितने बड़े बड़े दावे लिए थे, मूल मिला में शर्म आनी चाहिए कि राजी एक बार नहीं, 100 बेर देखो अजमाई के, हमने हमारे पर एक बार अजमाया, हम रल गई, भूल गई, हमने हमारा नाता नहीं निभाया है। और देखो राजी ने इसी प्रकरण में बताया आगे जाके कि ऐसे भी सुंदर साथ रहे कि देखो व्रज में से रास में जाते टाइम, हम तो थे ब्रज में और रास में खेलने वाली सखिया कौन थी? हम तो थे। तो तभी एक बछड़े के खुर गपद व संसार की किया ने, कि गाय के बछड़े छोटे होते हैं, वो बछड़े की जो एक पैर की जो खुर नीचे जब स्पर्श करती है जमीन को, उसमें जो एक गड्ढा बनता है, उस गड्ढे को पार करने में कितनी देर लगती है? इतनी देर भी ब्रज में से रास में जाने तक नहीं लगी, हम तो थे और कोई नहीं थे। आज ये प्रेम कहां गया? तो ये सुंदर साथ का जो मैं बहुत है ऐसे, तो मैं कितना वर्णन करूं और कितना छोड़ूं। और सुंदर साथ ने कोई, किसी ने दूसरे दिन तन छोड़े, किसी ने तीसरे दिन, चौथे, पांचवें, छठे से 2 महीने तक सुंदर साथ तन छोड़ते रहे श्री जी के विरह में। तो ऐसे मोमिनों की जो कुर्बानी है, ये सुन के हम भी उसी आचरण की समीक्षा करें,
कि भाई हम इसी तरह इस मार्ग पर चल रहे हैं या नहीं, हम सब अपनी आत्मा को पूछे। और ऐसा भी एक भाव, एक प्रश्न खड़ा होगा कि चलो हम घर में नहीं कर रहे, हमारे एक कोई व्यक्ति एक सुंदर सा तो घर में सेवा कर रहे हैं, तो भी सुंदर सा जी जो जिसने की है ना उसको काम आएगी, उसकी सेवा हमको नहीं काम है। हाँ, सांसारिक कार्य में ऐसा होता है कि एक घर में आदमी कमाते तो कमाई का कोई धन लाते तो चार परिवार के लोग खा सकते, लेकिन आध्यात्मिक कमाई ऐसी नहीं, जो कमाएगा वो ही खाएगा, सबको अपनी अपनी करना ही पड़ेगा। तो मोमिनों ने कैसे चल के दिखाया, कैसे प्रेम की राह पर न्योछावर होके दिखाया। और उसके बाद दसवें नंबर के प्रकरण में से देवचंद्र जी के समय में, और देवचंद्र जी के जो लौकिक कुटुंब परिवार थे, कबीले थे, उसने थोड़े समय के बाद कालांतर में तारतम ग्रहण जो किया उसमें किस किस का नाम है ये दसवें नंबर के प्रकरण में बताया। अब जागणी की जो अभियान गांधी भाई के घर कल नींव रखी गई, अब इमारत बननी शुरू हो गई, अब बिल्डिंग बनना शुरू हो गया, ये काम अभी कहीं भी रुकेगा नहीं, अंतिम पन्ना जी तक। और पन्ना जी से छठे दिन में जो जागणी ने का काम छत्रसाल को सौंपा और बातुनी रूप में सब सुंदर सात के धाम दिल में धनी बैठ गए। और आज अभी तक जो सुंदर सात को राज जी ने प्रेरणा दी और जो विशेष शोभा दी, वो सुंदर सात वो काम कर रहे, यही यहाँ बताया। और देवचंद्र जी के कुटुंब कबीले जो परिवार लौकिक थे, उसने निजानंद संप्रदाय में हो कैसे शामिल हुए, कैसे तारतम ग्रहण किया, ये सब बातें ये प्रकरण में रखी गई है। सबसे पहले श्री देवचंद्र जी को राज जी ने श्याम जी मंदिर में दर्शन दिया, उसके अंदर अक्षराती धाम धनी बैठ गए और उसको पाताल से लेकर परम धाम तक की पूरी पहचान हो गई। और उसके अंदर कौन बैठी थी, परम धाम की श्यामा, सुंदर बाई स्वरूप श्यामा महारानी। उसके बाद उसकी पत्नी लीलबाई, वो भी परम धाम की आत्मा थी। उसके बाद उसके जो माता पिता, इसके एक पुत्र बिहारी जी और एक जमुना बाई, एक और भी सुंदर सात का नाम है थारा, मेघा, भायत्री, ऐसे बहुत से सुंदर सात का नाम आता है। और राजी ने बोला मैं इतने सुंदर सात का नाम लिया कितने का लूँ, क्योंकि यहाँ की जुबान, यहाँ के इंद्रियों के माध्यम से परम धाम के अखंड का वर्णन नहीं हो पाएगा। उसकी सिफत तो ध्यान से, उसकी सिफत, उसकी प्रशंसा तो परम धाम में प्रेम की जुबान से गाई जाएगी। क्या बोला राज जी ने, परम धाम में प्रेम की जुबान से गाई जाएगी, इस चुटी जुबान से मैं उसकी सिफत, उसका वर्णन नहीं कर पाता। और अंतिम जो हरिदास जी, हमने भुज के प्रसंग में देखा था ना, जिसके पास उसने मंत्र दीक्षा भी बजमन श्री कुंज बिहारी नित्य विलास वाला मंत्र भी लिया था, वही हरिदास जी अब जामनगर में आते हैं। और हरिदास जी की पत्नी भी आती है, उसकी माता, सब उसकी पुत्र वृंदावन, वृंदावन की पत्नी मूलीबाई, ये सब परिवार वहाँ सदगुरु के चरणों में आते हैं, निजानंद संप्रदाय में शामिल होते हैं और तारतम ग्रहण करते हैं। ये सब पहले कौन थे, देवचंद्र जी उसके चरणों में, फिर वो पूरा परिवार कहाँ आ गया। देखो इस प्रसंग से समझना चाहिए ना कि जो जितनी ज्ञान की ऊंचाई उसने ये समझ ली कि नहीं, मैंने तो एक अखंड ब्रज, ये भी प्रतिबिंब लीला का वर्णन किया था, आपने तो दिव्य परम धाम का ज्ञान जो दे रहे हो, तो उसी के चरणों में वो आ जाते हैं। और उसके बाद 11 नंबर के प्रकरण में सुंदर सात जी सतगुरु धनी, ध्यान सुनिए, सतगुरु धनी से देवचंद्र जी के साथ जो जो सुंदर सात का आगमन होता है, उसमें श्री गांगजी भाई के परिवार और मिहिराज के परिवार, ये दोनों परिवार का जो सुंदर सात का जो आगमन होता है, वो सतगुरु धनी देवचंद्र जी के पास तारतम ग्रहण करते हैं। और कोई सुंदर सात इसी टाइम नहीं तो पांचवें दिन की लीला में श्री प्राणनाथ जी के सानिध्य में आके तारतम लेते हैं और चर्चा का
सुख लेते हैं। यही प्रसंग को आगे बढ़ाए तो इस निजानंद संप्रदाय में सबसे प्रथम प्रथम सुंदर साथ कौन बने अभिषेक? गांगजी भाई। गांगजी भाई ने धरे कदम सबसे प्रथम, क्योंकि मैं एक एक बात जो महत्वपूर्ण है मैं रख रही हूं, भले देर लग जाए, क्योंकि सबको समझ में आना चाहिए कि निजानंद संप्रदाय के सिद्धांत क्या है। सिर्फ सुनना ये कोई कहानी किस्सा थोड़ी है कि सुन लिया, कोई राजा रानी की ऐतिहासिक घटनाक्रम ये थोड़ी है कि सुन लिया निकाल दिया। ऐसे मोमिनों का नाम लेके भी हम पवित्र हो जाते हैं तो इतनी तो हमको पता होनी चाहिए, क्योंकि संसार की तो बहुत सुधी ली, इसी से मिला क्या? कुछ नहीं। यहां सबसे प्रथम गांगजी भाई के घर जागने का अभियान शुरू होता है तो पहले गांगजी भाई सतगुरु धनी से देवचंद्र जी को के अंदर बैठे हुए स्वरूप की पहचान करके अपने घरों पधराया और वहां चर्चा सत्संग शुरू किया। उसके अंदर बैठी हुई धनबाई की आत्मा ने पूर्ण स्वरूप से पहचान कर ली। उसके बाद उसकी माता गंगाबाई, तो गंगाबाई भी रामधनी की सदगुरु के अंदर बैठे हुए रामधनी की पहचान कर लेती है और सदगुरु भी उसकी लौकिक और पारलौकिक दोनों इच्छाएं पूर्ण करते हैं। और उसकी पत्नी भानबाई, ध्यान से सुनो, एक एक प्रसंग हमें भी रोल प्ले करते हैं उसी प्रकार का राज्य बताएंगे, ये भानबाई की बात नहीं है, समझ में आया? ये गांगजी भाई की बात नहीं है, हमारी है। भानबाई सदगुरु घर में थे, पूछ पूछ के सेवा करती थी, उसके अंदर पहचान नहीं बनी थी। किसके अंदर? हमारे अंदर। बोलो श्री प्राणनाथ। उस सतगुरु को कोई भी चीज की आवश्यकता जरूरत पड़ती थी तो पूछ पूछ के कि मैं लेके आऊं, ऐसा भाव नहीं था कि मेरी पहचान हो गई है, मैं बोले इसके पहले, इससे पहले मतलब बोले बिना मैं बस रिझा लूं मेरे धनी को, मैं सेवा से मतलब एक पूर्ण रूप से न्योछावर हो जाऊं, ऐसा भाव उसके दिल में नहीं था। वो पूछ पूछ के सेवा करते। हम भी कई बार मंदिर की सेवा हो, कोई संस्था में रसोई घर की सेवा हो, यही तो बात है। गांगजी भाई के घर की बात थोड़ी है, किसकी बात है? मान लो हम यहां आए हैं, क्या पूछ पूछ के करनी चाहिए सेवा कि भाई रसोई में वहां दो थाली पड़ी है उठा लू, क्या साफ कर लो? अरे भाई रास्ते में पड़ी उठा लो, साफ कर लो। हमारी सीता दीदी रोज सुबह से लग जाती है, आप भी सब लग गए होते हो, तो उसके साथ पूछना थोड़ी कि भाई हम सब्जी समारे, बैठ जाओ, सबकी सेवा है। ठीक है, जो भी सुंदर साथ है इसमें मैं भी शामिल हूं, मैं कोई ऐसे नहीं बाकात हूं। ठीक है, मेरे को भी ये उपदेश लेना है, हमारे बच्चों को भी ये लागू होता है कि बच्चों कहीं भी रास्ते में कोई भी काम पड़े हो, मतलब कोई भी चीजें कुछ भी, कहीं गिलास इधर उधर पड़े हैं, कहीं कुछ और चीजें पड़ी है, तो आप दूसरे की पर छोड़ दे तो कहीं पीछे एक बच्चे आ रहे ले लेंगे, ऐसा नहीं, अपना काम खुद कर लेना। आपने देखा तो क्या कर लेना, ये सेवा उठा लेनी चाहिए। किसी की भले कोई दूसरे की सेवा है ये, तो भी हम उठा ले। हम राज्य के पास कितने मतलब महान बनेंगे, राज्य के पास उसकी नजरों में कितनी शोभा प्राप्त करेंगे, तो हमारे अंदर ये विचार होना चाहिए। ये गांगजी भाई के घर की बात नहीं है। देखो हमारे भैया, कोई बात नहीं, जो है वो तो सत्य में कहूंगी, कोई प्रशंसा की बात है ही नहीं, किसी के सामने प्रशंसा की बात ना करें, क्योंकि उसकी यात्रा ही वहां तक जाती। लेकिन जो मेरी नजरों ने अंदर से देखा है, हमारे जो चौहान जी भैया कितना मतलब सेवा तो नहीं, मैंने अपनी नजरों से देखा है कि अपनी जो पोस्ट है, अपनी जो एक सत्ता है उसके पास, वो एक धूल में मिला देते, एक छोटे सी एक ग्लास तक भी वो साफ कर लेते हैं, इतना नहीं गोबर भी उठाने लगते। कोई भी छोटी सी भी सेवा हो, मैंने अपनी आंखों से देखा है। देखो उसको कहते सुंदर साथ, तो यहां भानबाई के प्रसंग से हम एक उपदेश ले ले, एक सीखापन ले, एक प्रेरणा ले कि सुंदर साथी पूछ पूछ के नहीं करना है। और भानबाई जब लीलबाई धाम चली तो बिहारी जी और जमुनाबाई वो दोनों की सेवा भानबाई के घर में सबके ऊपर जिम्मेदारी आई ने, तो उसको करने के लिए जब गांगजी भाई को
देवचंद्र जी ने सौंपा तो भानुभाई को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि राज्य की पहचान नहीं बनी है ना, जो हमको भी संस्था में पहचान बन जाएगी ना कि सब सुंदर साथ धनी के अंग है। किसके अंग है? धनी के। चाहे मैं किसी की सुंदर साथ की करूं या अन्य सेवा करूं, कोई भी करूं, बस राज्य जो भी आप काम सौंपो, मेरे को तो बस सिर्फ जिम्मेदारी दी है, मेरे को काम करना है, सेवा की ओर नहीं देखना है, ठीक है। तो एक बार पहचान होने के बाद कोई प्रसंग के कोई व्यक्ति के कोई चीज नजर में नहीं आएगी, बस सेवा ही दिखेगी। या भानुभाई को लगा कि मैं उसके बिहारी जी और जमुना बाई को कैसे रखूं, जो धनी की पहचान हो गई होती तो ये प्रश्न खड़ा नहीं होता। लेकिन देखो गांधी भाई की पहचान देखो, उसने पहचान कर ली है तो उसने बोला कि तुम जाओ मायके चली जाओ, मैं तो उसकी सेवा करो, क्योंकि मेरे को धनी की पहचान हो गई है। सतगुरु ये कोई देवचंद्र जी वाला पांच तत्व का तन शरीर नहीं है, उसके अंदर मेरे स्वयं धाम के धनी लीला कर रहे हैं, मैं तो उसकी सेवा करूंगा। तो मायके चली जाती है। देखो हमारे सामने भी ऐसे प्रश्न खड़े होते हैं कि धर्म जो है कि धर्म पत्नी, तो हम क्या बोलेंगे? आगे प्रसंग आएगा महिराज का भी, धर्म चाहिए या धर्म पत्नी? हम तो धर्म पत्नी नहीं, परिवार सहित सबको चाहेंगे। धर्म तो कल भी मिल जाएगा, फिर सरसावा नहीं तो शेरपुर चले जाएंगे, शेरपुर नहीं तो रतनपुरी, कहीं तो बैठने का ठिकाना मिल जाएगा। समझ में आया? सुंदर साची हमारी बात है एक एक प्रसंग में। धर्म कोई तिलक या माला पहनने की चीज नहीं है, धर्म तो अनादि है, अखंड है, शाश्वत है, वो कभी भी नष्ट होता ही नहीं। विकृति आती है संप्रदाय में, पंथ में, मत में, वो नष्ट होती है, धर्म नष्ट नहीं होता। वो तो सृष्टि नहीं थी तभी भी धर्म था, आज भी धर्म है, सृष्टि लय हो जाएगी तभी भी धर्म रहेगा। धर्म मतलब सत्य अनादि, उसको कहते हैं धर्म। या सत्य की बात आई ने, या गांधी भाई के सामने प्रश्न खड़े हुए कि किसको ग्रहण मतलब किसको चुनूं, तब गांधी भाई ने बोला भानुभाई तुम चली जाओ, धनी थोड़ी मेरे को इस संसार में मिलेंगे। जो मेरे को इस संसार में युगों युगों से जो मनीषी संत ऋषि पैगंबर जिसका ध्यान करते करते सिर की जटाएं चरणों तक पहुंची, आंख भी जो ये पलके है वो भी चरणों तक पहुंची, जिसने दिशा नहीं देखी वो धनी। इतने पंथ काट कर पंथ हो वे कोटि कल्प प्रेम पहुंचावे, मीने पलकम बोलते ने, इतना पंथ काट कर मेरे को जगाने के लिए यहां तक नौतनपुरी जामनगर में आए है, किसने पहचान की है? गांगजी भाई ने भानुभाई को जाने दिया। हम भी चाहे कितने भी कष्ट आए, कितने भी विघ्न आए, लेकिन राज्य को ने पहली प्राथमिकता राज्य। एक चौपाई बोलो, आकिन ना छूटे सुहागनी, बोलते हैं ना आकिन ना छूटे सुहागनी, जो पड़े कोट विघ्न प्यारी पीयू के कारण जीव को ना करे जतन। भैया कितने भी विघ्न आ जाए, जो लाडली होगी ना राज्य की अर्धांगिनी आत्मा होगी ना, वो कभी भी उससे घबराएगी नहीं, घबराएगी नहीं, वो इस पास में बस इग्नोर करके मतलब उससे दूर हट जाएगी। ऐसे तो आते रहेंगे परम धाम की आत्मा के सामने, उसका क्या बल। एक देखो यहाँ सा छोटा सा एक बम, मतलब इतनी सी दारू अंदर होती पूरे विश्व को समाप्त कर सकता है, इस संसार की जड़ चीजें, तो आत्मा के अंदर कितना बल है। हमने आत्मा का बल ही नहीं जाना है कि हमारे अंदर कितना बल है। तो ये आत्मा विस्फोट करेगी तो कितना सुख पाएगी, लेकिन हम तो इंद्रियों का विस्फोट भी नहीं कर पा रहे घर में। समझ में आ रही है मेरी बात? इंद्रियों का विस्फोट मतलब इंद्रियों की हमारी जो दुश्मन बन के बैठी है, हम युद्ध नहीं करते हैं उसके सामने। माया का कोई काम आ जाता तो हम चल पड़ते हैं, राज्य का आते तो हम इंद्रियों के सामने लड़ाई नहीं करते, सीधे ही नीचे गिर जाते हैं और बस निकल पड़ते हैं। ये देखो गुण अंग इंद्री उल्टे चले संसार जी, यही दुश्मन विशेष है जो मारते हमारी राह जी। बाहर के दुश्मन तो आते आएंगे, लेकिन अंदर बैठे हुए दुश्मन को पहले संभालो, उस इंद्रियों को इतनी ताकतवर मतलब इतनी बल अंदर करो, और आगे जाके आत्मा का बल तो देखो बाद में। तो यहां गांधी भाई ने ये बल करके दिखाया, और उसके बाद
सुंदर सा जी बहुत सी बातें एक प्रसंग में एक घंटे निकल जाते जीवन को सुधारने के लिए, लेकिन प्रसंग में आगे बढ़े तो उसके जो बड़े लड़के थे श्याम जी, उसके अंदर परमधाम का अंकुर नहीं था। सतगुरु के पास तारतम तो लिया, घर में ही तो थे, निजानंद संप्रदाय में शामिल भी हुए, लेकिन उसके अंदर परमधाम का अंकुर नहीं था। बोलते ना कृपा माफक करनी, करनी माफक अंकुर, दोनों नहीं, कृपा माफक करनी, करनी माफक कृपा, दोनों माफक अंकुर के बोलते ना, दोनों माफक हम कृपा के अनुसार ही हमारी करनी होती है, संसार के जीवों की करनी के हिसाब से कृपा होती है, और दोनों माफक अंकुर के। और एक चौपाई राज जी और बताते हैं, 100 साल रहो साथ में, क्या बताते, 100 साल रहो साथ में, धनी अनुभव 100 बेर, लेकिन मूल अंकुर दया बिना कर में डाले अंधेर। चाहे 100 साल तक साथ में रहो और धनी का अनुभव भी कर लो, लेकिन मूल अंकुर परम धाम का नहीं है तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। यहां भी बताया कि मूल अंकुर नहीं था तो श्याम जी ने पहचान नहीं की, वो सतगुरु घर में ही थे, चर्चा करते उससे दूर रहे। तो ये हमारे घर की तो कहानी है, हमारे घर में भी 5 सदस्य रहते हैं, 2 तारतम ग्रहण किए हैं, 2 ने तारतम तो ले लिया, लेकिन राज जी की राह पर, धनी की राह पर नहीं चलते हैं, उल्टे चलते हैं, उसको पता ही नहीं है, अपनी मस्ती में चल रहे हैं, पता लगेगा तब देर हो जाएगी। इसलिए मैं कई बार बोलती हूं कि अपने बच्चों के अंदर भी संस्कार डालिए। देखो यही तो प्रसंग आया है, कोई दूसरे का प्रसंग थोड़ी है। मैं कई बार अभिषेक के सब बच्चे को जब देखती हूँ ना, जो अभी पंजाब से आए, मैं रोज ही देख के अंदर से इतनी खुश होती हूँ कि इतने छोटे बच्चे के अंदर इतने मतलब राज्य के प्रति भाव है, ये संस्कार है। और हमारे संस्था के बच्चे तो है ही अंदर समर्पित, लेकिन उसको सबको जो गृहस्थी जीवन में रहते हुए भी संस्था के प्रति अपना कर्तव्य बजा रहे हैं, तो सच में मैं सुगंध खा के कहती हूँ इन बच्चों के चरणों में मैं नतमस्तक हूँ, एक बार नहीं करोड़ों बार। यही तो बताया सुंदर साथ जी कि श्याम जी ने पहचान नहीं की, उसकी बहू जो थी अजबाई वो जागृत हुई, उसने पहचान कर ली, सब हमारी कहानी है, किसी की नहीं है। वो धनी की राह पर चल पड़ी, जो मेघबाई की भतीजी होगी अभी आगे आएंगे। उसके बाद उसका छोटा पुत्र है मांझी, जो मांझी के पुत्र है उसके अंदर सुखबाई की वासना थी। देखो परमधाम की वासना सतगुरु पहचानते थे, कैसे, परमधाम में तो आत्मिक भाषा है, वहां या संसार जैसी भाषा परमधाम में नहीं है, वहां तो प्रेम की भाषा है, आत्मिक भाषा है, यहाँ के गुण स्वभाव और कर्म के हिसाब से, ठीक है, ध्यान से सुनिए, गुण स्वभाव और कर्म के आधार पर सतगुरु, और बताया वाणी में भी कटरुति में कि वासना तुम सब परखते हो, देखे सर्व के चैन, मतलब उसकी चैन मतलब उसकी रहनी, आचरण देख के आप वासना को पहचानते हो। तो दूसरा बेटा मांझी, उसके जो पुत्र थे उसके अंदर सुखबाई की वासना थी, और उसकी पत्नी उस वो मांझी था, उसने राज्य की पहचान सतगुरु की कर ली, धनी की। और जब गांगजी भाई घर में नहीं रहते थे तो क्या करते थे, वो सतगुरु की सेवा करते रहते थे। यही तो है, मान लो हम कब, मान लो आज मैं यहाँ आई हूँ, बहुत एग्जाम्पल गहरा है, ध्यान से सुनिए, मैं यहाँ आई हूँ भैया, बहुत दुख की बात है सच में, मैं यहाँ 1.5 महीने शायद 1.75 महीने निकल जाएंगे बीत तक भंडारा सबको लेकर, ठीक है, घर में अभी माता पिता रमेश जी सब है, मैं अपना ही लूँ एग्जाम्पल, आपको भी एक प्रेरणा मिले, ठीक है, चलो राज जी ने मेरे पर थोड़ी कृपा की, शोभा दी है, उसकी मैं थैंक्स कहती हूँ, धन्यवाद कहती हूँ, मैं आ गई 1.5 महीने में, 1.75 महीने में बहुत से सुंदर साथ घर पे भी आएंगे, घर के अंदर मैं हूँ तब तक तो करती रहोगी। जो सुंदर साथ के अंदर संस्कार नहीं है घर में, उसके अंदर कोई सम्मानित करने का भाव नहीं है, तो मेरा तो जीवन ही ऐसे व्यर्थ है ने, समझ में आया, घर में एक परिवार में है जो उस सुंदर साथ के अंदर वो भाव बने, तो मैं सुख चैन से यहाँ बैठी हूँ कि मेरी
मेरी मतलब गैरहाजिरी में पण वहाँ सब कुछ मेरी अनुपस्थिति में पण वहाँ सेवा हो जाएगी। राजकोट में टेंशन नहीं है, चिंता नहीं है, सब कुछ संभाल लेंगे घर परिवार के लोग। कहने का भाव कि घर के अंदर ऐसे ऐसे अलग अलग सबका क्यों बताया, तो आगे बताया कि उसकी जो पत्नी थी वो भी घर में ही रही, सतगुरु के सानिध्य में रही, तो हमारे घर में भी राज्य है और चार सदस्य है घर में, वो भी राज्य के प्रणाम तो करते हैं लेकिन भाव क्यों पैदा नहीं होते हैं। यहां भी ऐसा हुआ कि बहू भी थी, घर काम भी निपटाती थी, सब करती थी, लेकिन राज्य की पहचान मान जी की पत्नी को नहीं हुआ, नहीं हुआ ने। और उसके बाद उस घर में जो 25 साल से अरब की धरती पर गए हैं, कौन? खेता भाई, धन कमाने की इच्छा से, उसकी पत्नी हीरबाई उस घर में रहती थी। परिवार के थे ने, गांगजी भाई के बड़े भाई थे वो, तो हीरबाई और हीरबाई की बेटी राजबाई सबने पहचान की। और हीरबाई का एक बेटा था धनजी भाई, कौन था? धनजी भाई। और हीरबाई ने पूर्ण पहचान कर ली, जो चाकला मंदिर में तीनों समय श्री कृष्ण जी के रूप में राजी दर्शन देते थे, वहां भोजन आरोपते थे तीनों टाइम, कोई दिन सोने की कंसुड़ी, कोई दिन सुंदर साज जी मिठाइया, कोई दिन दीवार में मक्खन की छिटे, कोई दिन जमुना जी प्रकट करना, तो ऐसी ऐसी जब लीलाएं होती थी वहां, तो हीरबाई तीनों टाइम ऐसी दिल से भाव से सेवा करती थी, अपना सब कुछ झोंक दिया था उस सेवा में। तो देखो हीरबाई ने पहचान लिया। मिहराज अभी आगे के प्रसंग में आएंगे, मिहराज जाएंगे अरब की धरती पर, वो खेता भाई को समझाएंगे, लेकिन छिकने घने घटे घड़े छांट न ला गई। चिकना घड़ा होता उस पर पानी आप डालो तो नीचे गिर जाएगा ना, उसकी पत्नी ने यहां पहचान कर ली। और उसके आगे हम देखे तो एक उसका एक दूसरा भाई गोविंद जी था, वो भी परिवार में रहता था, शायद परिवार के भाई होंगे, सगे भाई नहीं होंगे। उसने भी सुंदर साज जी पहचान नहीं की, घर में तो रहे, चर्चा भी सुनी। देखो पहचान और रहना कितना फर्क है, तफावत। मैंने कल बोला था ने, पहचानना, जानना और पहचानना, दोनों में बहुत डिफरेंट है। उसके आगे बताया कि जो माँ श्याम जी और अजबाई, उसकी जो दो बेटी थी लाडबाई और हरबाई, ये दोनों रोज सदगुरु जब चर्चा करते थे उसके सामने खिलौनों की तरह खेलती रहती थी। तो ऐसे ऐसे गांगजी भाई के परिवार में बहुत से सुंदर साथ ने राज्य की पहचान की, कई परिवारों ने नहीं की, जो परमधाम का अंकुर नहीं था। पर सुंदर साथी मैं इसलिए ये बात दोहराई कि भाई क्यों, तभी वाणी नहीं थी, वाणी उतरी नहीं थी, भले उसके अंदर अंकुर नहीं था लेकिन तब वाणी भी नहीं उतरी थी। तो चर्चा के बाद और कुछ मिलता भी नहीं था। 313 आत्माएं जगी फिर माया में सो गई। इसलिए तो सतगुरु चर्चा करते थे, तो आदि का लीलाएं होती थी जब ब्रज का वर्णन करते थे, रास का वर्णन करते थे, तो ऐसी आदि का लीला के माध्यम से सब सुंदर साथ को एकत्रित करके बैठाते थे। क्यों? कि सुंदर साथ माया में भूल ना जाए, उसके अंदर चेतनता बनी रहे, इसलिए सुंदर साथ जी आदि का लीला चौथे दिन में करनी पड़ी। उसके बाद सतगुरु धनी देवचंद्र जी की चर्चा प्रारंभ हो गई, और इतने जोश में चर्चा करते थे, अक्षरातीत के आवेश में जोश में चर्चा करते थे कि बीच में किसी को बोलने की ताकत ही नहीं रहती थी, किसी की अंदर मतलब अंदर की वो नहीं थी बल कि मैं बीच में कोई प्रश्न पूछ लूं। और चर्चा इतनी जोश में करने लगे, ब्रज की रास की ऐसे प्रचार प्रसार होने लगा, एक से आगे और सुंदर साथ में ये बात फैलने लगी, तो गांगजी भाई के घर ऐसे ऐसे सुंदर साथ की झागनी हुई, और कई सुंदर साथ चर्चा सुनने के बाद भी माया में डूबे रहे, और कई जीव भी रहे, कोई ईश्वरी भी होगी और कोई ब्रह्मात्मा भी होगी ये राज जी जाने। तो ऐसे ऐसे मूल अंकुर नहीं था तो जीवित तो रहा, और
बारहवें नंबर के प्रकरण में वेद और कतेब दोनों की जो साक्षियां दी गई है कि जो कछु कहिया कतेब ने सोई कहिया वेद, दो बंदे एक साहेब के पर लड़त न पीना पाए भेद। जो वेद में कहा है वही कतेब में कहा है। उसमें मान लो वेद में कहा है कि निष्कलंक बुद्धि स्वरूप आखिर के कलयुग में आएंगे, वही बात कुरान में इमाम के जहूर पर प्रकाश डाला गया है कि रूहल्ला चौथे दिन में आएगी, उसके बाद पांचवें दिन में दोनों के मिलन होगा और बाद में इमाम की शोभा वो धारण करेंगे। वैसा ही सुंदर सा जी जैसे सतगुरु गणी देवचंद्र जी के अंदर स्वरूप बैठा और जो चर्चे करने लगा वो सातवें दिन में उसका जहूर होगा। वो जो लीला का वर्णन वेद और कतेब में बताया है, इतना ही नहीं भागवत आदि शास्त्रों में भी बताया है। क्या बताया है कि जो भागवत के दसवें स्कंध में, भागवत के दसवें स्कंध में अखंड ब्रज और रास की लीलाओं का वर्णन है, उसमें सुखदेव मुनि और व्यास मुनि का जो वर्णन है उसमें मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगी कि सुखदेव मुनि ने जो वर्णन किया हो आगे नवस्कंद तक हमको कोई लागू होता नहीं है, क्योंकि राजा रानी की कोई ऐतिहासिक घटनाक्रम है और अज्ञान में बार में भी नहीं, जो दसवें स्कंध कंध है उसके अंदर हमारी लीला है। जो जो साक्षियाँ लिखी थी ये सब यहाँ कुरान और कुरान को मिलान करके ये बताई। और अंतिम बारहवें तेरहवें नंबर के प्रकरण में क्या बताया कि सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी जो चर्चा करते थे उसी टाइम जो सुंदर साथ के अंदर इतना उल्लास था, इतना उत्साह था, इतना उमंग था कि उसका वर्णन लालदास जी के अंदर बैठे हुए धामधनी स्वयं कह रहे हैं और महामती अपने शब्दों में कह रही है कि उस लीला में जो उसी टाइम सब थे उसी ने देखा है कि क्या लीला हो रही थी। हम तो अब सिर्फ शब्द सुनते हैं। मैं कई बार बोलती हूँ कि जब चर्चा होती ने उसी टाइम आप उस वही भाव में डूबिए, वही रस में डूबिए तो आपके अंदर वो सुख आएगा। मैं परसों भी बोली थी कि जो जो प्रसंग जिस जिस स्थान का आता है वहाँ आप डूबिए, कोशिश करिए उस भाव में डूबने की। और उसी टाइम सुंदर साहब जी गांधी भाई के दिल में भी इतना अपूर्व, क्योंकि जिसने पहचान की है और वो भी ऐसे ही लगे तन मन और धन, क्योंकि गांगजी भाई बहुत धनवान एक प्रतिष्ठित सेठ थे जामनगर नवा नगर के, तो उसने भी पहचान के बाद हमारी पहचान की पहचान किया। चलो सुंदर साजी जवाब दीजिए भैया, हमारी पहचान की पहचान किया। चलो मैंने पहचान कर ली, वो पहचान की पहचान तो कुछ होगी, मैं कैसे मानूं कि आपने पहचान कर ली है, आप कैसे मानो कि मैंने पहचान कर ली है। कोई मेरी पहचान तो होगी जो मैंने पहचान की है उसकी। ब्रह्मात्मा चल के दिखाएगी तभी तो पता लगेगा, समझ में आया, वो दिखाएगी उसका दिखेगा, बताना नहीं पड़ेगा, सिफत नहीं गाने पड़ेगी कि वो इतनी बड़ी अच्छी है, इतना अच्छा व्यवहार है, इतना लुटा रही है, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सूर्य उग जाता तो दूसरे लोगों को बताना पड़ता है कि देखो प्रकाश, सूर्य सुबह को उग निकल आता है तो क्या बताना पड़ता है देखो सूर्य का प्रकाश, वो तो अपने आप खुद प्रकाशित होता है। तो जिसके अंदर ये गुणों है तो वो तो स्वयं अपने आप दिखाई देखे। तो यहां गांधी भाई के घर जब चर्चा शुरू होने लगी तो कैसे न्योछावर हुए। आज बीतक के टाइम आज जो चल रहा है ना सबकी रसोई की सेवा, चलो वर्तमान की बात ले, बात तो बीत गया, भूतकाल बीत गया, हमारे पर तो लेना है ना, साथ चाइला है तो चाइला सही, पर पिछले साथ कारण है वाणी कही। तो जो जो सुंदर साथ यहाँ रसोई रोज, आज हमारे भैया भैया की रसोई थी, प्रणाम जी भैया, राज जी आपको खूब खूब सेवा का भाव डाले और आप ऐसी सेवा बस राज जी के मिशन में करते रहो, मैं ऐसी शुभकामना और मंगल कामना करती हूँ। और जो सेवा यहाँ हमारी बीतक के टाइम पे, मैं तो यही देखती हूँ दो तीन साल से बीतक के टाइम पे, पिछली नहीं इसी अगली साल में आई थी, तभी भी बीतक में सेवा रहती थी, बीच में नहीं रहती थी। तो मैं तो यही कहती हूँ कि हमारी जो वहाँ दोनों पुरियाँ है, मंगलपुरी और नौतनपुरी, ठीक है, वहाँ रोज
आपका वेटिंग में नंबर लगेगा। रोज 8-10 सुंदर साथ की, कहीं कहीं कोई दिन 5-5 सुंदर साथ की, लेकिन वेटिंग में होता तो एक सुंदर साथ की एक दिन ही रहेगी या शाम की किस दूसरे की रहेगी। तो हजारों रसोईया, मतलब एक रसोई की शायद 15,000 कैसी कोई मतलब मूल्य है, न्योछावर है। तो ऐसी देखो रोज की शायद 1-1.5 लाख की तो इनकम वैसे ही पूरी की है रोज की। नंबर भी नहीं लगता, आपकी तिथि या कोई जन्मदिन या मैरिज एनिवर्सरी का दिन हो तो ऐसे रोज पूरियों में रसोई रहती है। तो हमारे सुंदर साथ यहाँ जो है, मैं आज प्रसंग आया तो कहने का एक माध्यम बना, तो मैं बता देती हूँ कि सुंदर साथ जी, हमारे सुंदर साथ के अंदर भी ये भाव बने कि बीच बीच में भी हमारे घर में कोई छोटे बड़े प्रसंग हो, चाहे शादी का हो, कोई बर्थडे का हो, चाहे कोई भी हो, खत मुहूर्त का हो, जो भी हो, तो उसी टाइम भी हम एक भाव ले कि हम बच्चों को एक ज्ञानपीठ में जाके कहीं भी हम रसोई जाके दे तो हमारे अंदर भी कितना भाव बढ़ेगा। यहाँ गांगजी भाई सुंदर साथ जी रोज सुंदर साथ नए नए देखते हैं, इतने सुंदर साथ की सभा एकत्रित हो गई तो रोज नए नए मिठाई बन गया, कई प्रकार के व्यंजन थाने, रोज नए नए विचार आते थे, सोचते थे आज क्या बनाओ, कल तो खीर बनी थी, आज कस्टर्ड बनाओ, आज क्या बनाओ, कल लाडू बनाओ। तो ऐसे रोज देखो सुंदर साथ को देख के कैसे भाव उठते थे उस दिल में। तो वही तो हम बने, ठीक है गांगजी भाई न बने, गांगजी भाई का गुण तो हम ले पाए। गांगजी भाई का गुण तो हम ले, तो गांगजी भाई भी अपने घर आए हुए सुंदर साथ के बारे में रोज रोज उसके अंदर इतना अपूर्व उत्साह था, तो नई नए भोजन, क्योंकि उसके अंदर ये विचार था कि देखो बेचारी महिलाएं ये और सुंदर साथ आ रहे हैं, बेचारा दोपहर का टाइम होगा, सुबह का तो चलो ठीक जलपान करके आए, दोपहर का टाइम होगा रसोई बनाने के लिए फिर घर जाएगी, फिर खा के आएगी तो सदगुरु की चर्चा छूट जाएगी, फिर शाम को जाएगी। तो ऐसा करो एक ही साथ यहाँ भोजन आरोगे तो सबको काम की कोई झंझटी ना रहे। तो देखो ऐसे विचार थे रोज। और दान कैसे होता पता है, यहाँ दान की बात तो नहीं है, सुंदर साथ का दान नहीं होता, न्योछावर होता, अपने कहने का कुछ बाकी ही नहीं रहता, लेकिन जैसे बहता प्रवाह होता ने, वो बहता रहे ने तब अच्छा रहेगा, जो एक बंध बांध देंगे ने पानी बहेगा नहीं ने तो अंदर काई जम जाएगी। तो हमारा धन भी ऐसे बहता रहे ने सेवा में, सुंदर साथ जी तो पवित्र बनता जाएगा, अच्छी कमाई का धन फिर पवित्र बनेगा, तो देखो उस सेवा का क्या आनंद होगा। तो यहां चर्चा प्रारंभ हो गई रोज नए, इतना नहीं सतगुरु धनी से देवचंद्र जी को जो चर्चा करते थे उसी टाइम नए नए सुंदर साथ का आगमन होता था तो उसको देख के इतने खुश होते थे। जैसे आज आप बैठे हो, आज कोई नए दो तीन सुंदर साथ दिख रहे हैं तो राज जी को यहाँ से कितनी खुशी मिलती होगी कि देखो इतनी दूरी से आज नए सुंदर साथ आए, मेरी चर्चा सुनने के लिए आए। धनी खुश हो रहे, ज्योत्सना बेन नहीं, मेरा तो एक पंच महाभूत वजूद का एक पुतला, मैं क्या खुश होगी, मेरे अंदर तो ये बल ही नहीं है। राज जी खुश होते हैं। और इतना नहीं, कोई सुंदर साथ ने तारतम ले लिया है, उसने कोई नए सुंदर साथ को, हम बोलते तो है रोज तारतम में कि ए सुखदेव ब्रह्म, बोलिए रोज तारतम में बोल दो, ए सुखदेव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नार, और हमने कितने को जगाया, कितने को सुख दिया, रोज झूठ बोलते ना, 5 बार तारतम करते तो 5 बार झूठ बोलते, 11 बार तारतम करते तो 11 बार झूठ बोलते हैं। ए सुखदेव ब्रह्म सृष्टि को तो बीच में क्या है, पहाड़ जैसा, तो मैं नहीं तो नहीं। और इंद्रावती ने क्या बोला, पियाए जगाए मोली मोहे, एकली में जगाऊ बांधे जुथ, सो तो दिया मैं तुमको, सो खुले नहीं तुम बिन, शुद्ध देवो मेरी औरन को, तो चले तुम्हारा हुक्म। ये है गांगजी भाई का भाव। तो नए सुंदर साथ आते थे जगह के तो सतगुरु इतने खुश होते थे, उसको लगता था उस पर क्या वार दू, क्या न्योछावर कर दू,
उसके साथ मैं कैसा व्यवहार करूं, इतना नहीं, ये चौपाई इसमें बहुत मेरे को बहुत स्पर्श करती हर बार। इन भूम में देखिया साथ धनी श्री धाम, कौन व्रत इन सो करो जो पूर्व मनोरथ काम, इसी प्रकरण में है चौपाई। या गांधी भाई और सतगुरु को विचार आता था रोज ही कि इस भूम में नश्वर जगत में झूठी भूम में मेरे को धनी मिले, धाम मिले, धाम के साथी मिले। बिचारे सुंदर साथ, जो लाडले सुंदर साथ हमारे परम धाम से इस माया के खेल में आए हैं, बिचारे भूल गए अपने घर को, धनी को, धाम को। तो इस सुंदर साथ के साथ मैं ऐसा क्या व्यवहार करूं, कैसा मैं इसके साथ प्रेम करूं कि वो सुंदर साथ रीझ जाए। इतना नहीं, और भाव आते थे कि शीघ्र से अधि शीघ्र, जल्द से जल्द सुंदर साथ जो बाहर जा रही आए हैं जल्दी से जग जाए और जल्दी हम परम धाम वापस लौटे, क्योंकि राज जी ने बोला था ना सबको लेकर साथ में चलना है, तेरे को अकेले नहीं। तो इसलिए चर्चा भी पूर्ण जोश में करते हैं, रोज इतनी उमंग में करते हैं, रोज वेद कतेब कई उदाहरण कई एग्जाम्पल देते देते सदगुरु चर्चा करते हैं, तो सुंदर साथ की भीड़ और बढ़ने लगती है। उसी टाइम जो अजबाई श्याम जी की पत्नी गांधी भाई की बहू और जो मेघबाई ये जो मिहिराज उसके बड़े भाई हरिवंश भाई उसकी पत्नी मेघबाई उसकी दोनों के बीच का संबंध था बुआ और भतीजी का, तो वहां वो मेघबाई के पास कौन जाते, अजबाई, और जाके बोलती है कि बुआ मेरे घर चलो, मेरे घर में रोज ही श्री कृष्ण जी के रूप में राज जी रोज 3 बार आते दर्शन देते हैं, मैंने अभी बताया ना मिठाई कई बार ये सोने की कंसूरी ये बस सब लेके आते हैं और सब सुंदर साथ उसके दर्शन भी करते हैं और सुख भी लेते, तो आप आके यहां के देखो। इतना भी नहीं, आगे और बताया कि ऐसे ही चर्चा करते हैं वहां कि सुंदर साथ भाव काट दिखावी चर्चा को जो रूप अनूप, जब सदगुरु धनी देवचंद्र जी स्वरूप का जब वर्णन करते थे तो स्वरूप सुंदर सन कुल सकोमल रूह खोल देख नैना नूर जमाल, फिर महबूब जी आवत हृदय किया किन्ने तेरा कोल फेले हाल, जामा झड़ाओ जुड़ियो अंग जुगत सो चारो हार अंबर करे जलकार, जगमगे पाग ज्योत जवेर जो मीठे मुख नैनो पर जाओ बलिहार। तो जैसे ऐसी चर्चा करते थे तो सुंदर साथ बैठे थे चाकला मंदिर में, पहुंच जाते थे कहाँ मूल मिलावे में और देखते थे कहाँ धाम दिल में, पूरा स्वरूप खड़ा हो जाता था। देखो तीनों जगह बैठे हैं चकला मंदिर में, पहुंच जाते थे मूल मिलाम, देखते थे कहाँ अपने धाम दिल में, देखते थे ये स्वरूप को। और आगे भोजन आरोपने के बाद पान के बीड़े भी आरोपते थे। ये सब बात अभी अजबाई मेघबाई को बता रही है और मेघबाई के अंदर परमधाम की हरखबाई की वासना थी। एक जीवराज साथी सुंदर साथ में शामिल हुआ, उसके अंदर तानबाई की वासना थी और मेघबाई के अंदर हरखबाई की, जो गाते हैं ना भोग में हरखबाई जो साग भाजी तरकारी लेने के लिए वनों में जाती है, तो मेघबाई के अंदर हरखबाई की वासना थी। तो यहाँ फिर सुंदर साथ को एकांत में ले जाके फिर जमुना जी को प्रकट करके खल खलाता हुआ जल भी प्रवाहित करके सब सुंदर साथ को दर्शन कराते थे। मारा वाला जी चलो जमुना जल जी लिए, मारा प्रीतम प्यारे चलो जमुना जल जी लिए, पाट घाट की देहुरी में जा रामत की जेरान, रतन जड़ित के माहौल में कीजे रंग विलास, मारा वाला जी चलो जमुना जल जी लिए। परम धाम की जो खलखलाती हुई जमुना जी, वैसे ही वहां
प्रकट हो जाती थी, सब सुंदर साथ अंदर जीर्णा करते थे। बोलते ना निहारे जिलन रंग सुहामना, ये तो रास ग्रंथ की बात है। यहाँ जीर्णा करते थे और मिश्री से मीठा, दूध से उज्ज्वल, ऐसे जमुना जी का स्वाद रसा स्वादन करते थे। इतना नहीं, सतगुरु धनी देवचंद्र जी वर्णन करते थे कि हे सुंदर साची, आप सबका ध्यान यहाँ रहना चाहिए। बोलिए श्री प्राणनाथ क्या वर्णन करते थे, हे सुंदर साची सबका ध्यान यहाँ रहना चाहिए। कहाँ रहना चाहिए, यहाँ जो चर्चा चल रही है वहाँ रहना चाहिए। और बोला कि हे सुंदर साची, हमारा रंग महल बीच में मध्य में जो नव भवन दसवीं आकाशी वाला बना है, एक ऊंचे चबूतर पर उसकी उत्तर की ओर जो पुखराज पहाड़ है उसमें से जमुना जी प्रकट होती है। वहाँ से निकल के खजाना के ताल से निकलती हुई फिर बंगला जी से अधबीज कुंड ढपा चबूतरा मूल कुंड से निकलती हुई फिर आगे जाती है, फिर दक्षिण की ओर मोड़ती है, पूर्व में आती है, 9 लाख कोस बहकर 4.5 लाख कोस उधर की ओर बही, 9 लाख कोस पूर्व की ओर बह के फिर दक्षिण की ओर मोड़ के 4.5 लाख कोस बह के फिर होज कोसर में मिल जाती है। हम लेंगे अष्टपहर में पूरा वर्णन परम धाम का लेंगे, शायद अष्टपहर इस यात्रा में रह जाएगा ने तो 7 दिन के भंडारे में, लेकिन पूरा करेंगे बीत तक। बोलो श्री प्राणना। तो यहाँ जमुना जी का वर्णन होता है, सुंदर सा डूब जाते हैं पुखराज में, चांदनी में 1000 आंस की जो बनी है उसके 4 बड़े बड़े दरवाजे में बड़े बड़े हाथियों की जमात जो जाती है वहां बड़े बड़े जानवरों की। तो सुंदर सा जी ऐसी लीला गांग जी भाई के घर होने लगी और सुंदर सात की जमात एकत्रित होने लगी। इसने में चुगलखोर ने चुगली कर दी के गांग जी भाई के घर कोतवाल को जाके के रोज ही स्त्री पुरुष नर नारी एकत्रित होते। देखो जहाँ सत्य जाहिर होगा ने वहाँ तो विरोध होगा ही होगा, सत्य है तो असत्य है सामने, ज्ञान है तो अज्ञान है, दिन है तो रात्रि है, सुख है तो दुख है, ठीक है। सत्य जाहिर होने लगा तो फिर क्या हुआ, चुगलखोर ने कोतवाल को चुगली कर दी, वहां से 2 सिपाहियों को भेजा आया पर बताया कि राजी ने बोला कि जब मेरी मोमिनों पर कष्ट आए तो मैं आधा देऊ मेरा अंग। क्या बोला राजी ने वाणी में, राजी अपना अंग आधा दे देते, हमारे पर कोई कष्ट आने देते, दुख नहीं आने देते। तो एक चुगलखोर कुआ ने फर तो रहे हो, दीपक तो बताया सिपाही ने, लेकिन दीपक बस दूर हटता गया, वो चलता गया, अंत ही नहीं आया दीपक और उसके बीच में, और गांग जी भाई के घर पहुंच नहीं पाए। एक चुगल सिपाही कहां पहुंच गए, धरोल 12 कोस दूर। जब हम राजकोट से जामनगर जाते तो रास्ते में धरोल पड़ता है, वहां से 36 किलोमीटर, 12 कोस 1 कोस बराबर 3 किलोमीटर, ठीक है। तो 36 किलोमीटर की दूरी पे वो धरोल में जाके पहुंचा। सुबह को पहुंचा तो जब जाके पनिहारी मिली, उसको पूछा कि भाई मोहवर ये गांगजी भाई का घर है क्या, तो उसने बोला तू पागल तो नहीं हो गया, ये तो मोहवर जी का गांव है। तो दोनों इतने दुखी हुए, रात तक ये चक्कर काटते रहे, लेकिन दोनों के घर में झगड़ा भी मचा, घर पे नहीं गए। तो सुबह को पता लगा कि चुगलखोर ने हमको फंसा दिया था, ये मिलेंगे तो मार डालेंगे। तो ऐसी सी बहुत सी घटना यहाँ घटित हुई। उसके बाद दोनों स्वरूपों का जो मिलन इस प्रसंग में है, ये स्वरूपों के मिलन की ओर हम आगे बढ़े। तो कैसे दोनों स्वरूपों का मिलन होता है, जब सबसे प्रथम जो मिहराज के कुटुंब कबीले का नाम आता है, मैंने अगले प्रकरण इसलिए नहीं लिया, यहाँ सबसे पहले माता धनबाई, पिता केशवराय ठाकुर और 5 भाई, सबसे बड़े भाई हरिवंश भाई, सामल्य भाई, गोवर्धन भाई, महराज और उद्धव ठाकुर, ये 5 भाई है। और श्यामल्य की पत्नी सवीरा भाई, ऐसे बहुत से सुंदर सात का घर में नाम है। हरिवंश भाई की पत्नी मेघबाई और सब सुंदर सात एक साथ घर में रहते हैं। तो सबसे प्रथम ये बात कैसे पहुंची, उसके घर में कैसे ये तात्म वाणी का ज्ञान का प्रचार होने लगा, तो यहाँ बताया कि सबसे प्रथम अजबाई, जब मेघबाई को बताया तो अजबाई ने अपने उसको बताया
मेघबाई को, तो मेघबाई ने अपने दीवर दियर गोवर्धन भाई को बोला, गोवर्धन भाई नहीं गए, उसने अपने वो जो पत्नी है पद्मा बेन को भेजा। पद्मा बेन वहाँ गई तो वहाँ जाके पूरा बोला कि वहाँ जाके देखो सच में सच्चाई कितनी है। तो आके बोला कि हाँ, जो अभी मैंने पूर्व वर्णन किया वही आके पद्मा बेन ने बताया। तो तभी सीधे ही पहले गोवर्धन भाई गए सतगुरु को मिलने के लिए, और वहां जाके सतगुरु के चरणों में प्रणाम किया, सेजदा किया और बोले कि हे धनी, मेरी आत्मा को जगाओ। क्या बोले सीधे? मेरी आत्मा को हम भी हमारे पर ले, कि हम चर्चा में या कोई भी कार्यक्रम में बैठे तो आत्मा को जगाने का कल्याण के लिए बैठते हैं क्या? वहां जाके गोवर्धन भाई ने बोला कि धनी, मेरी आत्मा को जगाओ। यहां आत्म को जगाने के लिए बोला सतगुरु धनी देवचंद्र जी तो परख गए कि उसके अंदर गुणवंती बाई की वासना है। बोलिए श्री प्राणनाथ, परम धाम की गुणवंती बाई की वासना है। तो परख लिया और बस वरद सिर पर रख दिया और रोज चर्चा सुनने लगे। वहां मीराज के अंदर इंद्रावती की आत्मा तड़प रही है, वो कैसे रह पाए? तो चार दिन से पीछे पीछे रो के जा रही है, लेकिन वहां गोवर्धन भाई मना कर रहे हैं। गोवर्धन भाई बोल रहे हैं कि मैं एक बार सतगुरु को पूछ लूं, देखो अंदर की तड़प देखो, जिज्ञासा देखो मरु के जीव की। और पांचवें छठे दिन पूछा, तब तो पूछने के दिन तो वो रोते रोते पीछे चले ही गए थे मिहराज, और बाहर खड़े कर दिए। बोले कि मैं अंदर पूछ के आऊ। अंदर गए, सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी को पूछा कि आज मिहराज मेरा छोटा भाई रोते रोते आया, मैं अंदर लाऊ? तो बोले अरे लाइए, छोटी उम्र में जो उसके अंदर संस्कार या गुण जाते हैं ये बड़ी उम्र में नहीं जाते। देखो ध्रुव को देखो, 5 साल की उम्र में विष्णु को पाया, वैसे प्रहलाद को देखो, सनकादिक को देखो, सबने छोटी छोटी उम्र में तो परमात्मा भगवान को पाया है। तो तुम लाओ अंदर। तब तो जैसे ही लाए अंदर, देख के ही सदगुरु के अंदर बैठे हुए स्वरूप पहचान लिया, ये तो परम धाम की इंद्रावती की निर्मल आत्मा है। बोलिए श्री प्राणनाथ। और परम धाम की निर्मल आत्मा को पहचाना, सबको चैन देख के पहचानते थे और दोनों का मिलन हुआ। राज्य ने इस वाणी में वितक साहिब में चौपाई बताई कि आई के चरणों लगी, ध्यान से, आई के चरणों लगी तित ही दई नीध, तत खिन हृदय मीने आई जागृत बुद्ध। जैसे ही चरणों में प्रणाम किया तभी अंदर इंद्रावती की आत्मा के अंदर जागृत बुद्धि ने प्रवेश कर लिया। फिर तो पूछना ही क्या, दोनों भाई रोज चर्चा सुनने के लिए जाने लगे। दोनों भाई के बीच का इतना गहराता बन गया संबंध, प्रेम भी इतना गहराता गया कि एक आधे घंटे क्या एक क्षण भी दोनों अलग रहे नहीं पाते थे। रोज ही सदगुरु की चर्चा सुनने के लिए गांधी भाई के घर चले जाते थे। ऐसे करते करते सुंदर साथ जी, अने मिलन कब हुआ? 12 साल 2 मास, ध्यान से, 12 साल 2 मास और 10 दिन की उम्र, ठीक है ना गुरु जी? ठीक है ना, 12 साल 2 मास और 10 दिन की उम्र। वैसे तो 5-6 दिन से जाता था, तो 12 साल 10 दिन और 4 दिन ले लो, ठीक है? तो तब मिलन हुआ, तब से लेकर फिर गोवर्धन भाई के साथ कितने टाइम रहे? तो 12 साल 10 मास और 4-5 दिन रहे। तब इस संसार में सुंदर 24 साल और ऊपर थोड़े दिन है, 10 महीने और थोड़े दिन है, तब तक वो गोवर्धन भाई के साथ चर्चा सुनने के लिए जाते थे। दोनों के भाई के बीच का प्रेम भी आंतरिक इतने बढ़ने लगा, लेकिन इतने ही समय में गोवर्धन भाई की अंतर ध्यान लीला मतलब धाम गमन हो गया। और बीच में एक घटना घटित होती है, ये मैं अब रख दूँ क्योंकि वो प्रसंग लिया इसलिए मैंने थोड़ा आगे रख दिया, लेकिन दोनों जुड़ी हुई है, कोई बात नहीं। मैंने इसलिए कि एक बात जो कर रही थी तो मैंने सोचा कि चलो पहले जोड़ दूँ बाद में रखूँ। तो दोनों जब चर्चा सुनने के लिए रोज बीच में जाते थे, एक दिन दोनों भाई सुन के घर में आए, तब उसके बड़े भाई सामलिया की पत्नी उस पर बरस पड़ी, सीता भाई, और बोले कि दोनों भाई जब से धनी देवचंद्र जी सतगुरु के चरण में गए हो तब से अब तक इतने बिगड़ चुके हो कि घर के कामकाज में आपका कोई ध्यान ही नहीं है,
तो जैसे ऐसे उल्टे वचन सदगुरु के लिए बोला तो दोनों भाई रह नहीं पाए, वो लाठी लेकर मारने के लिए दौड़े। तो सुंदर शाह जी, सदगुरु के लिए निंदा किसी के मुख से सुननी ही नहीं, मतलब हमारे अंदर बल हो तो इसे हम समझाना चाहिए। तो यहाँ बताया कि दोनों ने लाठी लेकर जब मारने के लिए सामलिया भाई के पीछे दौड़े, माता ने घर में अपने अंदर रख दिया। और शाम को जब केशव राय घर पे आते हैं तब सब बात बताते हैं, तो केशव राय ने बोला कि भाई जो देवचंद्र जी ने चर्चा सुनी है कांजी भट्ट से, तो तुम ऐसा करो ने, कांजी भट्ट से क्यों चर्चा नहीं सुनते हो, वहां जाओ ने। तब देखो दोनों की अंदर जो जागृत बुद्धि बैठी हुई है उसने क्या जवाब दिया, ध्यान से, कि हमारे प्रश्नों का जो जवाब वो दे दे तो हम चौकस निश्चित हम वहां जाएंगे। तो बोले चलो बेटे, दोनों को लेकर पिताजी कहाँ गए, कांजी भट्ट के वहां। और वहां जाके कांजी भट्ट को बोला कि तुम मेरे बच्चों का जो प्रश्न है उसका यथोचित हृदय की संतुष्टि मिले ऐसे ही उत्तर दे दीजिए। तब जाके पूछे कि बच्चों बोलो, तो उचित समय फिर सामने बैठे कांजी भट्ट के सामने, पहला प्रश्न क्या पूछा कि कितने लोक है, कितने तत्व है, कितने प्रलय है और कितने गुण है। तो यहाँ कांजी भट्ट ने बोला कि तीन गुण है, सतो रजो और तमो, चौथा गुण नहीं है। और 14 लोक है, नीचे 7 पाताल, अत्तल वित्तल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल, ऊपर है मृत्यु लोक 8वां, भोरलोक स्वर्गलोक मरलोक जनलोक तपलोक और सत्यलोक, ये 14 लोक के सिवा 15वां लोक नहीं है। और तीन गुण और 5-4 प्रलय, अव्याकृत नहीं, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और महाप्रलय। और तीन गुण, 14 लोक और 5 तत्व, 5 तत्व में आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, 5 तत्व के सिवा 6ठा कोई तत्व नहीं है। तब जाके मेराज जी ने बोला कि तीन गुण के सिवा 4ठा गुण नहीं है, 5 के सिवा 6ठा तत्व नहीं है, 14 लोक के सिवा 15वां लोक नहीं है और 4 प्रलय के सिवा 5वां प्रलय नहीं है। तो जब ये प्रलय होता है, महाप्रलय होता है, सृष्टि विलीन हो जाती है महासागर में, तो उसके बाद आप जो परब्रह्म की चर्चा करते थे, अखंड नहीं करते थे चर्चा, तो परब्रह्म का स्वरूप का वास कहाँ रहता है, उसको यह पता नहीं था। कि उसने तब यह बोला कि भाई क्षीर सागर में परब्रह्म एक अंगुष्ठ मात्र का स्वरूप धारण करके रहते हैं, लेकिन ये भागवत में जो बताया, लेकिन उसी के हिसाब से उसके पास तारतम वाणी का ज्ञान नहीं था, तो पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं कर पाए। इसी हिसाब से सुंदर शाह जी कि ये संसार सागर एक क्षीर सागर है और भागवत एक जो ये वृक्ष है और उसी के अंदर क्षीर सागर एक मोह सागर है, सॉरी क्षीर सागर एक मोह सागर है, अक्षय वट वृक्ष एक ये संसार है, उसी पर जो हमने ये चेतन और अवचेतन के रूप में चाहे जो भी पदार्थ यहाँ बने हुए हैं उसी के अंदर स्थूल रूप ये शरीर है, उसके अंदर एक चेतन रूप में जीव अंतस्करण इंद्रियों के साथ जो अंदर एक धारण किया है एक स्थूल हृदय, उसके अंदर एक सूक्ष्म हृदय है, सूक्ष्म हृदय के अंदर एक जीव बैठा है, वो जीव जिस अंतस्करण के सूक्ष्म के अंदर बैठा है वो अंगुष्ठ मात्रे का हृदय ने आकार धारण किया है, उसके अंदर वो जीव बैठा है, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि वो जीव क्या है, उसका मूल ठिकाना, मतलब जीव को शास्त्रों की शुद्ध भाषा में वेन कहते हैं, तो उसका भी मूल कहाँ है ये उसको पता नहीं था। तो उसने अंतिम बोल दिया कि ये जवाब तो ब्रह्मा जी से भी ना होए। तो यहाँ फिर पिताजी ने बोला केशव राय ने कि बेटा तो तुम ऐसा करो, आपके मन में जो आए, आपको सदगुरु धनी देवचंद्र जी की चर्चा सुनी है वो सुनो, मैं मना नहीं करूँगा, आपकी इच्छा पर निर्भर है। उसके बाद सुंदरसा जी वहाँ ज्ञान का प्रवाह चालू रहा, सब सुख लेने लगे। उसी टाइम क्या हुआ कि जब सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी की जो लीला जब चल रही है उसी टाइम आगे 2 चौपाई में अंतिम में बोला कि इसी टाइम महाराज
ये दो चौपाई में बहुत आगे की लंबी लंबी बात कर दी है सुंदर साथ जी, लेकिन यहाँ चौपाई में अंतिम हम दोहरा के उसको पूरा करें। सवन 1712 तरे भादरो मास उजाला पक्ष, यहाँ सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी की अंतिम लीला पर प्रकाश डाला गया, लेकिन अभी अंतिम लीला हुई नहीं है, ये आगे जाके लीला में आएगा घटनाक्रम में। यहाँ बताया कि विक्रम सन 1712 भाद्रवा शुद्ध 14 ना दिवसे सतगुरु धनी देवचंद्र जी अंतर ध्यान लीला करते हैं। उसी टाइम मिहराज कहाँ थे, तो बोले ध्रोल में कलाजी ठाकुर के वहाँ मंत्री पद पर वो वहाँ जॉब सर्विस करते थे। लेकिन अंतिम चौपाई में बताया कि श्री महामती कहे मोमिनो जिन पर हुआ महाराज सो खासल खास उमत है तन मार डारत हक काज। श्री महामती कहे मोमिनो, यहाँ लालदास जी के धाम दिल में बैठकर महामती जी अपने स्वर में कह रही है कि सुंदर साथ जी महामती के मोमिनो जिन पर हुआ महाराज, जिस पर राजी ने अपरंपार मेहर की है, जिसने राजी ने यहाँ बैठे बैठे दीदार करा दिया है, तो आगे खासल खास उमते उसको कहते खासल खास अमीरुल ब्रह्मात्मा तन मार डार तक काज। उसकी पहचान यही है कि एक बार पहचान के बाद वो तन मन और धन से अपना सब कुछ न्योछावर कर देती है। ये आज का घटनाक्रम सुंदरसा जी हम यहाँ पूर्ण करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ, चौपाई दोहराए, श्री महामती कहे मोमिनो जिन पर हुआ म्याराज सो खासल खास उमत है तन मार डारत हक काज, तन मार डारत हक काज। बोली श्री प्राणनाथ,